हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है करंट अफेयर्स के बारे में, जिस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर 2018 की करंट अफेयर्स, यानी कि हम सितंबर महीने की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एलडीसी कलर का हो या फिर किसी मैनेजर लेवल का या फिर स्टेट पीसीएस लेवल का। तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज रही है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे हर एक लेवल से। तो ये आप चाहे केवीएस की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, एसएससी की, किसी स्टेट टीचर लेवल की, एसटेट की, एमपीटेट की, यूपीटेट की या फिर किसी स्टेट पीसीएस की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इससे पहले जो सिक्स मंथ की करंट अफेयर्स है उसकी वीडियो मैं आपको पहले प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, वो है मार्च से अगस्त तक की। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर सजेस्टेड लिंक में आ रहा होगा, आप वहां पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो। इसके अलावा जिन लोगों ने स्टडी पोर्टल से स्टडी मटेरियल लिया है उसके साथ भी करंट अफेयर्स की बुकलेट मिली होगी, जिसमें सिक्स मंथ की पूरी करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करवाई गई है। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें आपको एमसीक्यू बेस पर दिए गए हैं, जो है अराउंड 1700 प्लस क्वेश्चंस हैं, जो आपने पूरे अच्छे से वो याद कर लिए होंगे, पूरे अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, तो आप एक बार वीडियो भी गो थ्रू कर सकते हैं अपने जो कंसेप्ट है उसको रिवाइज करने के लिए। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर 2018 की करंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी लॉन्च रिवाइवल ऑफ रूपी 13,000 करोड़ तलचर फर्टिलाइजर प्लांट। जो पीएम मोदी है उन्होंने एक प्लांट लॉन्च किया है जिसका नाम है तलचर फर्टिलाइजर प्लांट, यानी कि तलचर खाद प्लांट उन्होंने लॉन्च किया है, जिसकी कॉस्ट आई है 13,000 करोड़ रुपए। तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो आपको याद रखने हैं वो हम देख लेते हैं। फर्टिलाइजर प्लांट इन ओडिशा में है ये। वंस कमीशन विल प्रोड्यूस 1.27 मिलियन टन्स ऑफ नीम कोटेड यूरिया पर एनम। तो ये यूरिया प्रोड्यूस करेगा हर साल, नीम कोटेड जो यूरिया होगा कितना करेगा, 1.27 मिलियन टन्स हर साल ये प्रोड्यूस करेगा, इसकी इतनी क्षमता है। तो ये आप याद रख सकते हैं 1.27 मिलियन टन्स है और यूरिया प्रोड्यूस करेगा हर साल, ओडिशा में है। तो द तलचर प्लांट इज द फर्स्ट फर्टिलाइजर यूनिट इन द इंडिया टू यूज कोयल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी एंड विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन यूरिया एंड गैस इम्पोर्ट्स। जो तलचर प्लांट है वो फर्स्ट फर्टिलाइजर यूनिट है, जो पहला खाद प्लांट है इंडिया का जिसने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, कोयल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, और जो हम डिपेंड रहते थे यूरिया पे और गैस इंपोर्ट्स पे उसके डिपेंडेंसी को ये घटाएगा। इसके साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी आल्सो इनोग्रेटेड ए न्यू एयरपोर्ट नेम्ड आफ्टर फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्रा साई एट झारसुगुड़ा इन ओडिशा। इसके साथ साथ मोदी जी ने क्या किया है, एक फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्रा साई के नाम पर, साई जी के नाम पर झारसुगुड़ा ओडिशा में एक नया एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया है। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में न्यूज देखने वाले हैं और सर इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने आपको सिक्स मंथ की वीडियो दी थी उसमें हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू देखा है, हर एक टॉपिक में हर एक जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ सितंबर फर्स्ट वीक की भी मैंने वीडियो डाली थी, वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, वो भी एमसीक्यू बेस पर क्वेश्चन थी प्लस ये वाला फॉर्मेट भी था। तो जो भी दोस्तों आपको फॉर्मेट पसंद आ रहा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आगे की जो वीडियोस है आपको उसी फॉर्मेट में मिलेंगी। कुछ लोगों के कमेंट थे कि इंग्लिश में चाहिए क्योंकि जो सिक्स मंथ की वीडियो है वो हिंदी में है, तो इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स को इंग्लिश में डिस्कस किया। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, तो ताकि आप जितने भी फ्रेंड्स है, जितने भी फॉलोवर्स है, आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर। तो आप यहाँ पे ये तस्वीर देख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट है, इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड एन इंटरसेप्टर मिसाइल टेस्ट। इंडिया ने एक इंटरसेप्टर मिसाइल टेस्ट किया है जो कि सक्सेसफुल रहा है। वो कहां से किया है, वो किया है ओडिशा से 23 सितंबर को अबुल कलाम की आइलैंड से। तो ये टेस्ट है वो किस पर किया है, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मिशन पर, और ये मेजर माइलस्टोन इन डेवलपिंग के टू लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो एक मेजर माइलस्टोन है टू लेयर जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको डेवलप करने में, और ये कहाँ होगा, ये एक्सो एटमोस्फेयर रीजन में होगा जिसका एल्टीट्यूड है अबोव 50 किलोमीटर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, यानी कि जो हमारे धरती का जो एटमोस्फेयर है, वातावरण है, उससे 50 किलोमीटर ऊपर एक्सो एटमोस्फेयर में है। ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है जो इसने यूज किया इस इंटरसेप्टर ने, ये इसके बारे में यहाँ पर बताया गया, ये आप थोड़ा रीड कर सकते हैं। तो ये मिसाइल की है, ये इंटरसेप्टर मिसाइल टेस्ट की ये है, जहाँ पे आप इंडिया को लिखा हुआ देख भी सकते हैं, इसमें इंडिया लिखा हुआ INDIA। तो ये पिक्चर है ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट देखते हैं,
यूपी स्कोर्ड फर्स्ट प्लेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको हम आवास योजना यानी कि उनको घर दिलाते हैं, उनको घर मिलते हैं, उसमें जो उनका लोन होता है उसमें उनको सब्सिडी मिलती है। तो वो देखते हैं इसमें कि क्या क्या है, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो जो यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश को, उसको इसके इम्प्लीमेंटेशन करने में फर्स्ट प्लेस मिला है, ये पहला स्थान रहा है। यानी कि यूपी स्टेट ने अपने राज्य में इस जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इस योजना को बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। तो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ है, अनाउंस दैट द स्टेट हैज स्कोर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, इसके शॉर्ट फॉर्म में भी हम बोलते हैं। तो उन्होंने अनाउंस किया कि फर्स्ट पोजीशन मिली है प्रधानमंत्री आवास योजना को इम्प्लीमेंट करने में बाय प्रोवाइडिंग हाउसेज टू 11 लाख पुअर फैमिलीज। उन्होंने कितने लोगों को, फैमिलीज को हाउस प्रोवाइड किया है, 11 लाख, यानी कि 11 लाख गरीब परिवारों को उन्होंने वहां पे हाउस प्रोवाइड करवाया है और वो फर्स्ट नंबर पर रहे हैं। फर्दर इन अर्बन एरियाज दिस स्कीम हैज बेनिफिटेड ओवर 4 लाख फैमिलीज। तो अर्बन एरिया में यानी कि जो शहरी इलाका है उसमें भी इस स्कीम का फायदा 4 लाख से ज्यादा फैमिलियों को मिला है। द टारगेट ऑफ 11 मिलियन होम्स बाय 2022 अंडर PMAY विल बी कम्प्लीटेड बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2019। यानी कि जो टारगेट है वो है कि 2022 तक 11 मिलियन लोगों को होम मिले। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये टारगेट कब कंप्लीट कर लिया जाएगा, थर्ड क्वार्टर ऑफ 2019 के थर्ड क्वार्टर में ये पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि थर्ड क्वार्टर जो है उसमें ये पूरा कर लिया जाएगा। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, यह है प्रधानमंत्री आवास योजना, एक ये गवर्नमेंट स्कीम है जो इनिशिएट की गई है हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए सबको 2022 तक। ठीक है, तो इसके अंदर ये कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट है LIG यानी कि लो इनकम ग्रुप के लिए। तो लो इनकम ग्रुप के लिए यानी कि जिनकी एनुअल इनकम है वो 3 लाख से 6 लाख के बीच में है वो आते हैं लो इनकम ग्रुप में। उनके लिए जो इंटरेस्ट रेट रहेगी सब्सिडी की वो रहेगी 6.5% और ड्वेलिंग यूनिट कारपेट एरिया उनको मिलेगा अप टू 60 square per meter और लोन टेन्योर रहेगा 20 years का यानी कि 20 साल का। नेक्स्ट कैटेगरी में आती है MIG2 यानी कि मीडियम इनकम ग्रुप 2। ये है, यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले एनुअल इनकम जिनकी है 12 लाख से 18 लाख के बीच में, उनके लिए इंटरेस्ट रेट सब्सिडी का रहेगा वो है 3%। इसमें ड्वेलिंग यूनिट उनको मिलेगी अप टू 150 square per meter और लोन का टेन्योर इनके लिए भी रहेगा 20 ईयर यानी कि 20 साल। एक कैटेगरी है EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से भी कम है वो लोग इसमें आते हैं। उनके लिए जो सब्सिडी की इंटरेस्ट रेट है वो रहेगी 6.5% ही और ड्वेलिंग यूनिट कारपेट एरिया उनको मिलेगा अप टू 30 square per meter और लोन टेन्योर इनके लिए भी रहेगा 20 ईयर्स यानी कि 20 साल का। MIG1 मिडिल इनकम ग्रुप 1, तो इनके लिए जिनकी एनुअल इनकम लेस देन है 12 लाख से वो इस कैटेगरी में आते हैं। इंटरेस्ट रेट इनके लिए रहेगी 4%, ड्वेलिंग यूनिट कारपेट एरिया रहेगा 110 square meter और लोन टेन्योर इनके लिए भी 20 ईयर्स रहेगा। तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें मैंने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया है, सब्सिडी का रेट का डिफरेंस है, लोन टेन्योर सबको 20 ईयर्स ही है। तो ये आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, माना पटेल सेट रिकॉर्ड इन ग्लेनमार्क 72 नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप एट केरला। जो माना पटेल है उसने रिकॉर्ड सेट किया है ग्लेनमार्क 72वें नेशनल स्विमिंग चैंपियन में, कहां पे, केरला में। तो माना पटेल सेट ए न्यू मीट रिकॉर्ड इन 100 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट इन द ग्लेनमार्क 72 नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप एट द डॉक्टर BR अम्बेडकर एक्वेटिक कॉम्प्लेक्स तिरुवनंतपुरम केरला। ये कहाँ हुआ है, ग्लेनमार्क 72वां नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप हुआ है तिरुवनंतपुरम केरला में हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है, डॉक्टर BR अंबेडकर एक्वेटिक कॉम्प्लेक्स में, वहां पे इसने ये रिकॉर्ड सेट किया है 100 मीटर बैकस्ट्रोक इवेंट में। तो शी क्लॉक्ड 104.33 यानी कि 1 मिनट 4 सेकंड 33 माइक्रो सेकंड एंड स्मैश्ड हर ओन ओल्ड रिकॉर्ड ऑफ 104.40 1 मिनट 4 सेकंड 40 माइक्रो सेकंड विच वॉज सेट इन 2015। जो उसने 2015 में सेट किया था अपना रिकॉर्ड उसी को उसने तोड़ा है। केरला स्विमर साजन प्रकाश वन हिज 5th gold बाय विनिंग दी 200 meter butterfly। 200 मीटर बटरफ्लाई जीतने के बाद उनको 5th gold मिला है साजन प्रकाश को, जो केरला के ही स्विमर है। ही केम अप विद द बेस्ट इंडियन परफॉर्मेंस, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट इंडियन परफॉर्मेंस मानी गई है। ही क्लॉक्ड 157.73 एंड ब्रोक द एग्जिस्टिंग नेशनल रिकॉर्ड दैट क्लॉक 1.5
2017 का जो रिकॉर्ड था 1 मिनट 59 सेकंड 12 माइक्रो सेकंड का, उसने उसको तोड़ के कितना कर दिया है, 1 मिनट 57 सेकंड 73 माइक्रो सेकंड को। किसने किया है ये? साजन प्रकाश का है, और जो ये है ये माना पटेल का है। तो साजन प्रकाश को मिला केरला के स्विमर है फिफ्थ गोल्ड, और जो माना पटेल है वो फर्स्ट रहे, उन्होंने ये सेट कर दिया है रिकॉर्ड। तो इसके बारे में देख लेते हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये माना पटेल है। पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेट्स इंडिया 100th एयरपोर्ट सिक्किम फर्स्ट एट 4,500 फीट। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, उद्घाटन किया है इंडिया के 100वें एयरपोर्ट का, लेकिन ये सिक्किम में किया है। तो सिक्किम का ये पहला एयरपोर्ट है जो है 4,500 फीट की ऊंचाई पर। पीएम नरेंद्र मोदी टूडे इनोग्रेटेड पेंक्योंग एयरपोर्ट नियर गंगटोक इन सिक्किम। ये कहाँ पे है, ये पेंक्योंग एयरपोर्ट इन्होंने जो उद्घाटन किया है ये सिक्किम के गंगटोक के पास है, विच इज इंडिया 100, जो भारत का 100वां है, बट उस स्टेट का यानी कि सिक्किम का ये पहला एयरपोर्ट है। और इसका एल्टीट्यूड कितना है, 4,500 फीट पर अबोव सी लेवल से यह देखा जाता है। तो सी लेवल से 4,500 फीट की ऊंचाई पर ये एयरपोर्ट स्थित है। फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट वुड बिगेन फ्रॉम अक्टूबर 4, यानी कि 4 अक्टूबर हम सितंबर की कर रहे हैं, तो 4 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं कमर्शियल फ्लाइट यहाँ से। द री इन्फोर्समेंट वॉल ऑफ द प्रोजेक्ट इज 80 मीटर हाई, वन ऑफ द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। जो री इन्फोर्समेंट वॉल है इसकी प्रोजेक्ट की, वो है 80 मीटर ऊंची है, जो एक वन ऑफ द टॉलेस्ट इन वर्ल्ड है। तो सिक्किम, जैसे भी कोई ऐसी न्यूज आती है ना, तो आपको उससे रिलेटेड भी सारी चीजें करनी चाहिए। जैसे आप सिक्किम का नाम है तो सिक्किम का सीएम आपको पता होना चाहिए कौन है, पवन चामलिंग। यूपी के बारे में हमने खबर थी तो यूपी का भी हमने देखा कौन था, आदित्यनाथ योगी। तो इसके रिगार्डिंग ही आपको सारी जो भी न्यूज आती है उसके रिलेटेड आप जितना हो सके उतना कवर करके चले। किसी स्टेट की आती है तो उस स्टेट का आपको सीएम, गवर्नर या कुछ खास बात है उस स्टेट के बारे में, तो वो आप साथ के साथ ही अपना कंसेप्ट क्लियर करते चले, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पेंक्योंग एयरपोर्ट, यहाँ पे ये सिक्किम के पास गंगटोक में जो कि उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, पवित्रा नवीन क्लेम्ड पैन टेक अबू धाबी 83rd स्टेट सीनियर चैंपियनशिप। जो पवित्रा नवीन है उसने, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, पवित्रा नवीन ने क्लेम किया है पैनटेक अबू धाबी 83वां स्टेट सीनियर चैंपियनशिप। सो पवित्रा नवीन क्लेम्ड दी पैनटेक अबू धाबी 83rd स्टेट सीनियर चैंपियनशिप एट एसा बैडमिंटन एकेडमी एट इथुनमनोकुर केरला में। सो केरला में जो हुई है ये चैंपियनशिप अबू धाबी की, जो 83वीं स्टेट सीनियर चैंपियनशिप है EISA बैडमिंटन एकेडमी की, तो उसमें पवित्रा नवीन ने ये इसको जीता है। द अनसीडेड पवित्रा डिफीटेड कोजिकोडो 5th सीडेड एन अवस्थी, उन्होंने एन अवस्थी को हरा दिया है 16-21, 21-16, 21-16 से इन द वुमेन फाइनल में। इन मैन फाइनल्स में कोजिकोडो अनसीडेड मोहम्मद मुनवर, ये कोजिकोडी ने किसको हराया है, मोहम्मद मुनावर को, इसको हरा के उन्होंने ये टाइटल को जीता है। तो अर्नाकुलम टॉप सीडेड एम श्याम प्रसाद, ही डिफीटेड प्रसाद बाय सिक्योरिंग 21-16, 21-16 इट्स मुनावर फोर्थ स्टेटमैन ट्रॉफी। तो ये मुनावर्स की फोर्थ स्टेट ट्रॉफी है, एम श्याम प्रसाद को इन्होंने यहाँ पे हरा दिया है कोजिकोडी ने। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पवित्रा नवीन और ये कोजिकोडी। नेक्स्ट, इंडिया सीक्स DAC अप्रूवल टू प्रोक्यूर स्पाइक मिसाइल्स फ्रॉम इसराइल। तो इंडिया को DAC अप्रूवल मिल गए हैं किस चीज के लिए, स्पाइक मिसाइल्स जो इसराइल से उसको प्रोक्यूर करने के लिए। द आर्मी हैज ब्रॉट इट्स आइडिया टू बाय दी स्पाइक एंटीटैक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम इसराइल। हम कहां से खरीदने वाले हैं ये, इसराइल से स्पाइक एंटीटैक गाइडेड मिसाइल्स को। बिफोर द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, तो जो DAC है ये क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल फॉर अप्रूवल। सो DAC इज टू कंडक्ट सम वैलिडेशन ट्रायल्स फॉर द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। कुछ वैलिडेशन तो होंगे जो कंडक्ट करेंगे, जो ट्रायल्स कराएंगे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के लिए। तो द डील इज फॉर 170 लॉन्चर्स, 4,500 मिसाइल्स एंड 15 सिमुलेटर्स। तो 15 सिमुलेटर्स, 4,500 मिसाइल्स और 170 लॉन्चर्स के लिए ये डील की गई है। स्पाइक इज अ फोर्थ जनरेशन मैन पोर्टेबल मिसाइल फायर एंड फॉरगेट इसराइली मिसाइल मैन्युफैक्चर्ड बाय इसराइल राफेल। तो इसराइल की जो मिसाइल है वो कौन बनाता है, इसराइल राफेल, और जो स्पाइक है वो फोर्थ जनरेशन की मैन पोर्टेबल मिसाइल है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अर्लियर इन जनवरी द डील वॉज कैंसल्ड, पहले ये डील जो हमारी वो जनवरी में हुई थी लेकिन तब कैंसिल हो गई। क्यों, सेइंग द रिक्वायरमेंट कैन बी मीट थ्रू द इंडिजीनियस मैन पोर्टेबल मिसाइल बीइंग डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कह के कि ये जो डील है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये DRDO से ही कंप्लीट हो सकती है, लेकिन अब हम इसराइल से खरीद रहे हैं जो है 170
लॉन्चर्स, 4,500 मिसाइल्स एंड 15 सिमुलेटर्स। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं स्पाइक मिसाइल्स की, ये ऐसी होती है। अनिल कुमार चौधरी रिप्लेस्ड पीके सिंह एज न्यू सेल चेयरमैन। तो सेल के नए चेयरमैन बन गए हैं ये कौन, अनिल कुमार चौधरी। इससे पहले कौन थे, पीके सिंह थे। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। अगर किसी भी पोस्ट पे कोई बंदा आता है तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि किसको रिप्लेस करके आया। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, एसीसी क्या है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, अपॉइंटेड अनिल कुमार चौधरी एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया टिल हिज सुपर एनुएशन इन दिसंबर 2020। तो दिसंबर 2020 तक अनिल कुमार चौधरी को क्या बना दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है सेल का चेयरमैन। पी के रथ अपॉइंटेड एज सीएमडी, पी के रथ को सीएमडी अपॉइंट किया गया है, किसका, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL का। ही इज प्रेजेंटली द डायरेक्टर ऑपरेशन इन RINL। ये पहले क्या थे, अभी डायरेक्टर थे ऑपरेशन में RINL के, लेकिन अब इनको सीएमडी बना दिया गया है। तो ये आप याद रखना है आपको, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनको अनिल कुमार चौधरी को अपॉइंट किया गया है। कॉर्पोरेशन बैंक एंड NESL इंक पैक्ट फॉर शेयरिंग सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन अंडर IBBI रूल। सो कॉर्पोरेशन बैंक है वो लिंक किया है, उन्होंने इंक किया है एक पैक्ट को, यह है IU। IU इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एग्रीमेंट विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। ये NESL जो है वो क्या है, इसकी फॉर्म फॉर नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। इन दोनों के साथ इन्होंने एक पैक्ट इंक किया है। तो जैसे ही कॉर्पोरेशन बैंक का नाम याद आया, आप इसके साथ इसकी जानकारी याद रखेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ है, मैंगलोर में है, MD एंड CEO कौन है, श्री जयकुमार गर्ग है, टैगलाइन क्या है इसकी। तो बैंकों की, आपको जब भी बैंक का याद आता है उनकी टैगलाइन भी आपको याद रखनी होती है। तो टैगलाइन क्या है, ए प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक प्रोस्पैरिटी फॉर ऑल। फुल फॉर्म क्या है ऑफ NCLT, NCLT इसमें आया तो नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट डॉक्टर VR ललिथाम्बिका इज हेडिंग इंडियाज फर्स्ट वुमन स्पेस मिशन। जो साइंटिस्ट है डॉक्टर VR ललिथाम्बिका, ये हेड कर रही है इंडिया का फर्स्ट वुमन स्पेस मिशन। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो हैज चूजन वेटरन साइंटिस्ट डॉक्टर VR ललिथाम्बिका टू हेड इट्स गगनयान मिशन टू पुट एन इंडिया इन स्पेस बाय 2020। जो गगनयान मिशन है जो हम पुट करने वाले हैं स्पेस में 2020 तक, उसके लिए किसको चुना गया है, ये वेटरन साइंटिस्ट है, इनको चुना गया है डॉक्टर VR ललिथाम्बिका को। द 56 ईयर ओल्ड साइंटिस्ट हैज 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन स्पेस मिशन विद इसरो। ये 56 ईयर ओल्ड साइंटिस्ट है और इनको 30 साल के एक्सपीरियंस है स्पेस मिशन में इसरो के साथ। शी वॉज ऑल्सो ए की मेंबर ऑफ द टीम रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग 104 सैटेलाइट इन वन गो इन फाइव 2017। जो 15 फरवरी 2017 को जो हमने 104 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, ये उनमें भी, उनकी लॉन्चिंग में भी एक की मेंबर रह चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं इनका एक्सपीरियंस। तो ये है, ये जाएंगी डॉक्टर VR ललिथाम्बिका, जो हमने अभी बताया मिशन ह्यूमन इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन, उसको लॉन्च करने के लिए, स्पेस में प्रेस करने के लिए बाय 2022। IRDA रेस्ड मिनिमम ड्राइवर इंश्योरेंस कवर टू ये INR 15 लाख। IRDA ने जो ड्राइवर इंश्योरेंस है वो मिनिमम कितना कर दिया गया है, 15 लाख कर दिया गया है। व्हाट इज IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आप फुल फॉर्म भी हमेशा याद रखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेज द मिनिमम इंश्योरेंस कवर ऑफ ओनर ड्राइवर टू रुपए 15 लाख फॉर ए प्रीमियम ऑफ रुपी 750 पर एनम एंड ए मूव टू प्रोवाइड सम सिक्योर टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम। जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम है उनकी जो प्रीमियम रहेगा वो कितना रहेगा, 750 रुपए पर एनम। और कितना कर दिया है ये इंश्योरेंस, ये कर दिया गया है 15 लाख। करंटली द कैपिटल सम इंश्योर CSI अंडर दिस सेक्शन फॉर मोटराइज टू व्हीलर्स एंड प्राइवेट कार कमर्शियल व्हीकल्स इज 1 लाख एंड 2 लाख। जो अभी था वो कितना था, वो सिर्फ 1 लाख और 2 लाख था, टू व्हीलर्स के लिए 1 लाख और प्राइवेट कार्स के लिए 2 लाख। तो आप ये यहां पर देख सकते हैं इसकी सारी डिटेल्स। जो रिवाइज किए हैं IRDAI के रिवाइजेस, ये है मैंडेटरी पर्सनल एक्सीडेंटल कवर फॉर मोटर इंश्योरेंस कितना कर दिया गया है, 15 लाख। डेथ के लिए 100% है। लॉस ऑफ टू लिम्स और साइट ऑफ द आईज, और वन लिम और साइट ऑफ द वन आई 100% है। अगर आप टू लिम्स का, टू आईज का, या फिर वन लिम और वन आई का भी लॉस होता है तो भी आपको 100% मिलेगा। लॉस ऑफ वन आई और साइट ऑफ वन आई, इसमें आपको मिलेगा 50%।
अच्छा इसमें जो आप डिफरेंस देख सकते हैं वो है टू लिम्स टू आईज, अगर दोनों हैं तो मिलेगा आपको 100%, कोई भी एक है तो। एक लिम और एक आंख दोनों साथ में है तो आपको मिलेगा 100%, यानी कि दो अंग डिजेबल होना बेसिकली। परमानेंट टोटल डिजेबल्ड है फ्रॉम इंजरीज अदर देन नेम्ड अबो, तो उसके लिए भी परमानेंट डिजेबिलिटी कितना मिलेगा 100%। सो केयर मोर हैव मोर, यानी कि आप जितनी सुरक्षा करोगे उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा। तो ये IRDA के जो रेगुलेशन जो रिवाइज हुए हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 लाख 2 लाख के पहले अब 15 लाख हो गए। BSNL साइल डीड विद सॉफ्टवेयर एंड TTT रोल आउट 5G इन इंडिया, BSNL 5G लाने वाला है इंडिया में, इसके लिए इन्होंने एक साइन डील किया है सॉफ्टबैंक के साथ। तो BSNL चेयरमैन अनुपम श्रीवास्तव, तो BSNL के चेयरमैन कौन है, अनुपम श्रीवास्तव, अनाउंस दैट BSNL विद जापान सॉफ्टबैंक एंड एंटिटी कम्युनिकेशन में लॉन्च 5G इंटरनेट सर्विस एंड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी बाय 2020 इन इंडिया, यानी कि BSNL 2020 तक 5G लाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए उन्होंने जापान के सॉफ्टबैंक के लिए और एंटिटी कम्युनिकेशन के साथ जो है अपना समझौता किया है। BSNL has signed agreement with Nokia and Cisco as well for developing 5G ecosystem. और जो 5G ecosystem बनाने के लिए उसने किस किस कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया है, नोकिया एंड सिस्को। सिस्को एक बहुत ही बड़ी कंपनी है इसी चीज में, जो राउटर्स नेटवर्किंग के क्षेत्र में, तो इनके साथ भी उन्होंने अपना समझौता किया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के साथ BSNL। इंडिया वन सिल्वर इन एशियन टीम, सॉरी इंडियन वन सिल्वर इन एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप, जो स्नूकर चैंपियनशिप थी एशियन की तो उसमें हमने जीता है सिल्वर। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान एट अ गोल ऑफ 2-3 इन द फाइनल ऑफ द एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप। इंडिया ने किसको हराया है, पाकिस्तान को हराया है, गोल का क्या रहा, 2-3 से। पंकज आडवाणी एंड मलकीत सिंह रिप्रेजेंटेड इंडिया वाइल बबर मशी एंड मोहम्मद आसिफ वर फ्रॉम द पाकिस्तान साइड। तो इंडिया की साइड से कौन थे, पंकज आडवाणी एंड मलकीत सिंह, और पाकिस्तान की साइड से कौन है, बाबर माशी और मोहम्मद आसिफ। तो अबाउट एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इट इज द प्रीमियर नॉन प्रोफेशनल स्नूकर टूर्नामेंट है एशिया की, ये एक नॉन प्रोफेशनल स्नूकर टूर्नामेंट है। द इवेंट सीरीज इज सैंक्शन बाय द एशियन कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियार्ड स्पोर्ट्स एंड स्टार्टेड फ्रॉम 1984, 1984 में शुरू हुई थी, और एशियन जो कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियार्ड स्पोर्ट्स है उनसे थ्रू ये इवेंट सैंक्शन होते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, MS धोनी ओवरटेक्स द्रविड़ टू बिकेम इंडिया सेकेंड मोस्ट कैप्ड क्रिकेटर। सो इंडिया का सेकंड मोस्ट कैप्ड क्रिकेटर बन गए हैं MS धोनी द्रविड़ को पीछे छोड़ के। तो महेंद्र धोनी सिंह बिकम द सेकंड मोस्ट कैप्ड प्लेयर ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट एज ही प्लेड हिज 505 मैच फॉर इंडिया इन सुपर फोर ऑफ एशिया कप 2018 अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन September 3rd, 2023। तो 23 सितंबर को महेंद्र सिंह धोनी ने अपना 505वां मैच खेला है सुपर फोर ऑफ एशिया कप 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ। तो बिफोर धोनी, धोनी से पहले राहुल द्रविड़ वाज द सेकंड मोस्ट कैप प्लेयर फॉर इंडिया विद 504 कैप्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट सबसे जो पहले खेले थे वो किसने खेले थे, राहुल द्रविड़ ने 504, अब महेंद्र सिंह धोनी ने 505 हो गए, तो महेंद्र सिंह धोनी ने राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर इज द टॉप मोस्ट कैप प्लेयर ऑफ इंडिया विद रिकॉर्ड ऑफ 664 मैचेस फॉर इंडिया। और जो सचिन तेंदुलकर फर्स्ट पे कौन है, सचिन तेंदुलकर है जिन्होंने 664 मैचेस खेले हैं इंडिया के। तो आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी के कितने मैच हो गए, 505, द्रविड़ के 504, और फर्स्ट पे कौन है, सचिन तेंदुलकर जिनके हैं 664। मैसूरू सिटी पुलिस इज टू लॉन्च मैसूर रक्षा ऐप। तो मैसूर सिटी ने एक मैसूर सिटी की पुलिस ने एक रक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है मैसूर रक्षा ऐप। तो मैसूर सिटी पुलिस आर टू लॉन्च मैसूर रक्षा ऐप सून, ये लॉन्च हो गई है। द एम इज टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स हु यूज ऑटो एंड कैब। ये किसके लिए की गई है, जो भी पैसेंजर हैं जो ऑटो में कैब में सफर करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। So while downloading the app on their smartphone, the passenger can scan the QR code printed on autos and cabs that will have the detail of the vehicle and the driver. तो इस ऐप के जरिए आपको क्या करना होगा, ये आप अपने स्मार्टफोन में रखेंगे और जिस भी आप ऑटो या कैब में आप सफर करेंगे उन पर एक QR कोड लगा होगा, वो आपको स्कैन करना होगा। इससे क्या होगा कि उस जो भी आप ऑटो या कैब में सफर करें उसके व्हीकल की, उसके ड्राइवर की डिटेल्स आ जाएंगी। इफ द पैसेंजर्स एनकाउंटर्ड एनी ट्रबल विद द ऑटो और कैब ड्राइवर्स, दे शुड जस्ट प्रेस द SOS बटन इन द ऐप। बटन, एक बटन दिया गया है, एक SOS बटन दिया गया है इस ऐप में। अगर आपको लगता है आप किसी भी मुसीबत में हो तो आपको सिर्फ उस बटन को प्रेस करना है।
इट विल ट्रांजिट द डिटेल ऑफ द कैब ऑटो टू द पुलिस कंट्रोल रूम. द लोकेशन ऑफ द पैसेंजर विल बी ट्रेस थ्रू जीपीएस एंड द नियरेस्ट पुलिस पेट्रोल व्हीकल विल बी अलर्टेड एंड रश टू द रेस्क्यू ऑफ द पैसेंजर. इससे क्या होगा, जैसे ही आप SOS बटन को प्रेस करेंगे, यानी कि जो आपने जब QR कोड स्कैन किया था आपके पास सारे डिटेल्स आ गई थी, तो वही डिटेल्स क्या होगा कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में चली जाएंगी और वहां से उसके आपकी जो लोकेशन है वो जीपीएस के थ्रू ट्रैक कर ली जाएगी. जो भी आसपास जो भी पेट्रोल व्हीकल होगा उसके पास अलर्ट चली जाएगी और वो आपकी मदद के लिए आ जाएंगे. द पुलिस प्लान मेक श्योर एंड प्रोवाइड हेल्प इन द टाइम टू पीपल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हैरेसमेंट इंटिमिडेशन एंड असोल्ट ऑफ पैसेंजर्स थ्रू एन ऐप एंड मेक देयर जर्नी सेफ एंड स्मूथ. तो ये इसीलिए किया गया है कि जितना जल्दी हो सके वो उतना जल्दी अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सके. तो इसीलिए जो भी नियरेस्ट पेट्रोल व्हीकल होगा वहीं सबसे पहले आपके पास आ जाएगा ताकि आपकी जर्नी सेफ रहे, स्मूथ रहे. इसी के लिए मैसूर सिटी की पुलिस ने ये ऐप लॉन्च करने का कदम उठाया. ये आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो कैसे करती है, आपको लगा इमरजेंसी, आपने ये प्रेस बटन किया, SOS बटन है ये आप प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, अलर्ट भेजेगा. ये अलर्ट भेजेगा यहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम में. पुलिस कंट्रोल रूम में ऐप में अलर्ट जाएगी. यहाँ से आपकी सारे डिटेल्स आ गई. डिटेल से यहाँ पे जो नियरेस्ट पुलिस पेट्रोल व्हीकल है यहाँ पे उसकी डिटेल चलेगी और आपके पास जो भी इन्वेस्टिगेशन में भी चली जाएगी और जहाँ पे भी आपको कैब हो वहाँ पे आपके पास भी सुरक्षा आ जाएगी. तो इस तरीके से ये सुरक्षा ऐप लॉन्च हुई है और ये आपके सेफ्टी के लिए है. तो आप इसको लॉन्च मतलब अपने ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सफर को सेफर सिक्योर बना सकते हैं. सिटीजन साइंस प्लेटफॉर्म हेल्प्स टू सेव होन बिल्स. सिटीजन साइंस प्लेटफॉर्म ने हेल्प की है किसके लिए, होन बिल्स के लिए. होन बिल क्या है उसकी पिक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी. होन बिल एक वर्ड है. ए सिटीजन साइंस प्लेटफॉर्म इज एन इनिशिएटिव टू क्रिएट अवेयरनेस सो दैट द पब्लिक आल्सो कैन पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन ऑफ द यूनिक बर्ड. ये एक यूनिक बर्ड की सुरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए, एक अवेयरनेस जागरूक करने के लिए सिटीजन साइंस प्लेटफॉर्म ने एक इनिशिएटिव लिया है. द प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च बाय द साइंटिस्ट अपराजिता दत्ता एंड रोहित नानीवादेकर फ्रॉम दी नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड रामकी श्रीनिवासन एंड विक्रम हिरे सावई फ्रॉम कंजर्वेशन इंडिया. तो ये नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और कंजर्वेशन इंडिया के लोगों ने इसको लॉन्च किया है, उनके साइंटिस्टों ने लॉन्च किया है. इट इज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑन हॉर्नबिल डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री. तो ये क्या करेंगे, बेसिकली हॉर्नबिल का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कंट्री में जितने भी हॉर्नबिल है उसके बारे में बताएंगे. एन इंटरेक्टिव वेब इंटरफेस नेम दी हॉर्नबिल वॉच इनिशिएटिव, ये एक वेबसाइट भी बन गई है, अलोज ए पर्सन टू रिपोर्ट ऑन हॉर्नबिल एनीवेयर इन इंडिया. तो जहां पे भी होगा आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं. इफ द बर्ड इज फाउंड आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया द पब्लिक कैन रिकॉर्ड द डिटेल्स एंड इन्फॉर्म द कंजर्वेशन सो दैट द बर्ड कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पॉसिबल थ्रेट्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. आपको लगता है बर्ड सेफ नहीं है, प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं है, आप उसके इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर दे सकते हैं. तो जितना भी जल्दी हो सके उसको बचा लिया जाएगा, उसके जो भी प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी स्टेप्स हैं वो उठाए जाएंगे. द प्लेटफॉर्म कैन आल्सो बी सर्व एज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस दैट विल अलाउ द पब्लिक टू डिटरमाइन चेंजेस इन एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टाइम. तो ये जो वेबसाइट है ये अपडेटेड रहेगी, जहां जहां पे भी हॉर्नबिल होंगे वहां पे अपडेटेड रहेगी ताकि पब्लिक को भी पता रहे जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन में वो भी पता रहे. ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये हॉर्नबिल है और ये है सिटीजन साइंस इनिशिएटिव हेल्प सेव हॉर्नबिल्स. तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है वो इसी चीज में है. अब हॉर्नबिल के बारे में देख लेते हैं क्या है. हॉर्नबिल्स आर कॉल्ड द फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट. ये क्या कहा जाते हैं, जंगल के किसान कहा जाता है इनको. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड दैट ग्रो इनटू ट्री. जो पेड़ों पर जो बीज उगते हैं ये उनको क्या करते हैं, उनको जगह जगह पर डिस्पर्स कर देते हैं. तो उनमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है. हॉर्नबिल्स आर रिलेटिवली लार्ज बर्ड्स दैट आर इजिली रिकॉग्नाइजेबल बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज, बीक्स, डिस्टिंक्टिव कॉल्स एंड इवन अनट्रेन्ड आईज कैन आइडेंटिफाई विद रिलेटिव गेज. देयर आर अबाउट 9 हॉर्नबिल स्पीसीज इन इंडिया. जो 9 हॉर्नबिल की स्पीसीज है अब इंडिया में और ये बड़े लार्ज होते हैं तो आप इनको इजिली पहचान कर सकते हैं कि हॉर्नबिल कहाँ है. ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लार्ज साइज है इनकी आंखें, आप देख सकते हैं डिस्टिंक्टिव कॉल्स हैं. ठीक है, तो इससे आप आपको पता लग सकता है हॉर्नबिल से. अब पूछेंगे करंट है, जब आप ईवीएस की तैयारी करो तो ईवीएस के क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं कि जो भी अभी था प्राणी न्यूज में था इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं. तो ये हॉर्नबिल है, ये ईवीएस में आपका जाएगा कि कितने स्पीसीज है वो आप देख सकते हैं. जो ऐप है वहां पे आप सर्च कर सकते हैं कि कितने स्पीसीज है, कितने डिस्पर्स है, कितने है, कौन से लेवल पे है, एंडर्स पे है या क्या है, लुप्त होने वाला है कि नहीं है. तो वो सारी चीजें आप याद रख सकते हैं, आपके ईवीएस में क्वेश्चंस इसी तरीके से बनते हैं. नेक्स्ट,
यस बैंक स्लैप्ड विद रुपी 38 करोड़ इन जीएसटी फाइंस। जो जीएसटी फाइंस में जो यस बैंक है वो बहुत ही नीचे आ गया है 38 करोड़ के। अराउंड रुपए 32 करोड़ पे टू द जीएसटी डिपार्टमेंट, ओनली रुपए 6 करोड़ हैव बीन पेड इन सर्विस टैक्स व्हिच हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। द इशू रिलेटेड टू द रिमिटेंस ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम अर्बन पॉकेट्स टू देयर होम इन रूरल एरियाज। तो यूएस बैंक, ये आपने न्यूज में सुना ही होगा, इसके जो शेयर्स है वो बड़े डाउन चले गए हैं। इंडियन एक्ट्रेस जया प्रदा अपॉइंटेड गुडविल एम्बेसडर ऑफ नेपाल टूरिज्म। नेपाल टूरिज्म की जो गुडविल एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया है, जया प्रदा को बनाया गया है। हर अपॉइंटमेंट इज फॉर ए टर्म ऑफ 4 years। कितने साल के लिए बनाया गया है, 4 साल के लिए इनका टर्म रहेगा। सी इज ऑल्सो ए फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है अभी। हर अपॉइंटमेंट वुड स्ट्रेंथन द कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एंड हेल्प प्रोमोट नेपाल टूरिज्म इन इंडिया। तो आप यहाँ पर जया प्रदा ये देख सकते हैं, और ये मिनिस्टर ऑफ काउंसिल टूरिज्म ऑफ सिविल एवोल्यूशन का ये लेटर है, इसमें जिनको बनाया गया है गुडविल एम्बेसडर, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, मोदी लॉन्च प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना द मेगा हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत को अभी आपने न्यूज में सुना होगा, तो उसके बारे में इसमें डिटेल है, जिसका नाम है बेसिकली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फ्रॉम रांची झारखंड। तो ये कहां से लॉन्च हो रही है हेल्थ केयर स्कीम, रांची से, झारखंड से। मोदी ने स्पीच सेड दैट स्कीम वुड बी अ गेम चेंजर ग्लोबली इन हेल्थ इंश्योरेंस। मोदी के अकॉर्डिंग ये एक गेम चेंजर स्कीम रहेगी हेल्थ केयर सेक्टर में। PMJAY इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है। इट विल कवर अराउंड 50 करोड़ पीपल, 50 करोड़ लोगों को ये कवर करेगी। द स्कीम विल पायलट इन 106 डिस्ट्रिक्ट इन 14 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। ये भी जो इनका पायलट मोड है, मतलब अभी जो लॉन्च की गई है, वो इंडिया के 14 स्टेट के 106 डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि भारत के 14 शहरों के 106 जिलों में इसको लॉन्च किया गया है। द स्कीम विल बी प्रोवाइडिंग एन एनुअल कवरेज ऑफ 5 लाख पर फैमिली फॉर नियरली 1350 डिसीजेस, लगभग 1350 रोगों के लिए पर फैमिली को ये 5 लाख का कवर देगी। द एलिजिबल पीपल कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम इन गवर्नमेंट एंड लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल। जो भी पर्सन इसके लिए एलिजिबल होगा वो गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है, और जो भी लिस्टेड है प्राइवेट हॉस्पिटल उसमें जाकर अपना इलाज करवा सकता है। देयर इज नो कैप ऑन फैमिली साइज एंड एज टू इंश्योर दी नोबडी इज लेफ्ट आउट। इसमें कोई कैप नहीं रखी गई है फैमिली साइज की, और कोई एज नहीं रखी गई है कि कितनी एज तक होगा। इसमें यही है कि फैमिली पूरी कवर हो, कोई भी बचा ना रहे। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो इसमें मिलेगा वो 5 लाख का मिलेगा पर फैमिली को, और कवर्स मोर देन 50 करोड़ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, और 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसमें ये कवर करेगा। पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। अनुष्का शर्मा रिसीव्स स्मिता पाटिल अवार्ड। अनुष्का शर्मा को स्मिता पाटिल अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर के लिए। द एक्टर हु इज गियरिंग अप फॉर द रिलीज ऑफ हर फिल्म सुई धागा मेड हर डेब्यू अपोजिट शाहरुख खान इन रब ने बना दी जोड़ी इन 2008। तो इसका डेब्यू जो इन्होंने किया था वो किया था 2008 में रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से। अब जो सुई धागा रिलीज हुई है, जिसके लिए इनको एम्बेसडर भी बना दिया गया है, तो आप वो इसके लिए इनको मिला है बेस्ट एक्टर के लिए स्मिता पाटिल अवार्ड। या पिक्चर तो आपको सबको पता ही है, ये है अनुष्का, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। विलेज रॉकस्टार्स इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर 2019। सो रीमा दास नेशनल अवार्ड विनिंग फीचर विलेज रॉकस्टार चूजन टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द बेस्ट फॉरन लैंग्वेज कैटेगरी एट दी 91 अकेडमी अवार्ड्स नेक्स्ट ईयर। द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI ने, फिल्म फेडरेशन इंडिया में जो विलेज रॉकस्टार है रीमा दास ने जो लिखी है, उनकी मूवी को चूज किया गया है जो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी के लिए। द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय SV राजेंद्र सिंह बाबू चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी फॉर ऑस्कर अवार्ड। ये अनाउंसमेंट किसने की है, ऑस्कर अवार्ड FFI यानी कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन SV राजेंद्र सिंह बाबू ने। ये आप देख सकते हैं, ये इनकी मूवी है विलेज रॉकस्टार बाय रीमा दास, ये रीमा दास है। साउथ कोरिया फर्स्ट कंट्री टू कट ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान आफ्टर US सैंक्शन। एज पर द रिपोर्ट ऑफ ईरानियन ऑयल मिनिस्ट्री साउथ कोरिया हैज हैड नो ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान फॉर अबाउट 3 consecutive months आफ्टर द री इम्पोजिशन ऑफ US सैंक्शन ऑन तेहरान। तो जो US के सैंक्शन है तेहरान पे, उसके कारण क्या असर पड़ा है,
जो रिपोर्ट आई है ईरानियन ऑयल मिनिस्ट्री ने दी है, तो साउथ कोरिया से कोई भी ऑयल इंपोर्ट नहीं हुआ है, कोई इंपोर्ट नहीं हुआ ईरान से 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स, लगातार 3 महीनों से। द यूएस बिगेन री इम्पोजिंग सेंक्शन अगेंस्ट द ईरान आफ्टर विड्रॉइंग फ्रॉम द न्यूक्लियर डील इन मे में जो न्यूक्लियर डील में से यूएस ने अपने आप को पीछे हटा लिया था, उसके बाद से ये सेंक्शन लगे हैं ईरान पर। इट हैज ऑल्सो आस्क्ड नेशन टू कट देयर ईरान ऑयल इम्पोर्ट टू जीरो बिफोर इट री इम्पोजेज ऑयल सेंक्शन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं साउथ कोरिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम जो ईरान का ग्राफ कैसे गिर रहा है। सम 129 कंट्री साइन अप टू ट्रंप्स प्ली एट यूएन टू फाइट ग्लोबल ड्रग प्रॉब्लम। जो ग्लोबल ड्रग प्रॉब्लम है उससे लड़ने के लिए जो ट्रंप्स की प्लीड है उसको 129 कंट्रीज ने साइन किया है। कंट्री साइनिंग द नॉन बिडिंग यूएस स्टेटमेंट प्लीड टू डेवलप नेशनल एक्शन प्लान टू रिड्यूस डिमांड फॉर इलिसिट ड्रग थ्रू एजुकेशन एक्सपेंड ट्रीटमेंट एफोर्ट स्ट्रेंथ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑन जस्टिस लॉ इन्फॉर्मेशन एंड हेल्थ एंड कट ऑफ द सप्लाई बाय स्टॉपिंग प्रोडक्शन। तो 129 कंट्रीज ने इसको साइन किया गया है, कैसे रिड्यूस करेंगे इस इलिसिट ड्रग्स की डिमांड को, एजुकेशन से एक्सपेंड करेंगे ट्रीटमेंट के एफर्ट को, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से को स्ट्रेंथन करेंगे जस्टिस पे लॉ पे, एन्फोर्मेंस एंड हेल्थ से, तो इस तरीके से इसको कम करेंगे। अमंग कंट्रीज दैट डिड नॉट साइन द यूएस ड्रग प्लेट वॉज न्यूजीलैंड। किसने साइन नहीं किया है? न्यूजीलैंड ने साइन नहीं किया है। एडिक्शन टू ऑपियोड्स मैनी प्रेस्क्रिप्शन पेन किलर्स हीरोइन फेंटेनिल इज ए ग्रोइंग यूएस प्रॉब्लम, स्पेशली रूरल एरियाज में जो सबसे ग्रो हो रही है वो क्या है, पेन किलर्स लेते हैं लोग, हीरोइन लेते हैं और फेंटानिल्स लेते हैं। तो ये कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन किया है। मित्राक्लिप एन इफेक्टिव डिवाइस इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। जो हार्ट फेल हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए एक डिवाइस की खोज की गई है, उसका नाम है मित्राक्लिप। तो पीपल विद सेवरल हार्ट फेलियर फाइंड डिफिकल्ट इवन इन डूइंग मंडेन टास्क विद ब्लड फ्लो इम्प्लेटेड थ्रू देयर बॉडीज। पेशेंट में बिकम ब्रीथलेस सिंपली वॉकिंग अक्रॉस ए रूम और अपस्टेयर। सम मस्ट स्लिप सिटिंग अप टू अवॉइड गैस्पिंग फॉर एयर। देयर हैज नो प्रॉपर मेजर अंटिल नाउ। जो हार्ट अटैक आता है वो आपने देखा होगा एकदम से आता है, उसमें बंदे का क्या होता है, उसको सांस नहीं लिया जाता है, वो इवन अपने रूम से बाहर नहीं जा पाता है, अप स्टेयर्स नहीं जा पाता है, सीढ़ियां नहीं चल पाता है, तो प्रॉपर मेजर नहीं हो पाता कि कब से हार्ट अटैक आ गया। तो ये द रिसर्चर हैव रिसेंटली डेवलप्ड ए टाइनी क्लिप। रिसर्चर ने एक क्लिप का खोज किया है, उसका नाम है मित्रा क्लिप, which was used to repair the mitra valves by clipping it into two flaps together in the middle. टू फ्लैप्स के बीच में उनको मित्रा क्लिप से जोड़ दिया जाएगा। वो आपको एक डायग्राम में मैं भी दिखाऊंगी कैसे काम करेगा मित्रा क्लिप। That can be inserted into heart shaft so that it can reduce death rates in patient with severe heart failure. It has been found after a large clinical trial using a tiny clip. These patients also avoided additional hospitalization and described a drastically improved quality of life with fewer symptoms. जो symptoms हैं कि कम symptoms में ही पता लग सके और जैसे पता लगे उनके heart को फेल होने से बचा दिया जाए, तो इसके लिए मित्रा क्लिप हुई है। ये मित्रा क्लिप ऐसे दो वॉल्स के बीच में इसको ऐसे लगाया जाएगा, ये मित्रा क्लिप आप देख सकते हैं। तो मित्रा क्लिप डिवाइस इज अ स्मॉल क्लिप दैट इज अटैच टू योर मित्रा वॉल्स। इट ट्रीट्स मित्रल रेगुलराइजेशन बाय द अलोइंग योर मित्रल वॉल्व टू क्लोज मोर कम्प्लीटली हेल्पिंग टू रिस्टोर नॉर्मल ब्लड फ्लो थ्रू योर हार्ट। ये किस लिए लगाई जाएगी? ताकि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके हार्ट से वो नॉर्मल रहे और आप बचाए जा सके। फर्स्ट वुमन ओनली फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन कनाडा। तो कनाडा में फर्स्ट वुमन ओनली, यानी कि वहां पे सब औरतें ही औरतें थी, ओनली वुमन ओनली फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई है। तो वुमन फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज हैव गैदर्ड इन मॉन्ट्रियल कनाडा एंड डिस्कस टॉपिक्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उससे रिलेटेड और सिक्योरिटी के टॉपिक्स को लेकर ये जो है कॉन्फ्रेंस हुई, फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, जिसमें सिर्फ लेडीज थी। मीटिंग वॉज को हेयर्ड बाय द कनाडाज टॉप डिप्लोमैट क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इसको जो है कोहरेड किया, इसको किया एंड द फॉरेन अफेयर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईयू फेडरिका मोगरेटी। ये जो दो लेडीज है, एक कनाडा से एक ईयू से, इन्होंने इस मीटिंग को कोचेयर्ड किया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम टू को फाउंडर रिजाइन फ्रॉम पेरेंट कंपनी फेसबुक। जो इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं फोटोज के लिए, जो ऐप आपकी फोटो शेयरिंग साइट है, वो लॉन्च जिन्होंने की थी वो फेसबुक में थे, तो उन्होंने फेसबुक से रिजाइन कर दिया गया है। उन दो बंदों ने इसको फाउंड किया था इंस्टाग्राम को, तो उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक से रिजाइन कर दिया है। केविन
सिस्ट्रोम एंड माइक क्रीगर, ये वो दो बंदे हैं जिन्होंने फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम को लॉन्च किया था, हैव रिजाइंड एंड प्लान टू लीव द कंपनी, उन्होंने रिजाइन कर दिया और कंपनी को छोड़ दिया गया, पेरेंट कंपनी कौन सी उनकी, फेसबुक। They founded the app in 2010. इस ऐप को उन्होंने 2010 में लॉन्च किया था and sold it for $1 billion to Facebook in 2012. और 2012 में उन्होंने Facebook को बेच भी दिया था. When the photo sharing site was used by around 30 million people. उस टाइम जब उन्होंने बेचा था तो कितने लोग इसको यूज करते थे, 30 million people. तो ये आप देख सकते हैं दो co-founder हैं Instagram के जिन्होंने Facebook से resign कर दिया. Dena Bank cleared the merger with BOB and Visa Bank. So, Dena Bank जो मर्जर हो रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा एंड विजा बैंक में हो रहा है. तो द बोर्ड ऑफ देना बैंक क्लियर द मर्जर प्रोपोज बाय द सेंटर विद द बैंक ऑफ बड़ौदा एंड विजा बैंक. देना बैंक द मुंबई बेस्ड लैंडर इज द फर्स्ट अमंग द थ्री टू रिसीव द बोर्ड अप्रूवल फॉर द मर्जर प्रपोजल. तो जो मर्जर का प्रपोजल था इनको इस पर अप्रूव मिल चुका है. तो अब ये तीनों बैंक एक ही नाम से जाने जाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा तो देना विजय सब मर्ज हो गया है. द मेन रीजन फॉर द मर्जर इज टू रेज रिसोर्सेज विदाउट डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. इसका किस लिए मर्जर हुआ है, टू रेज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मिल चुके हैं बिना गवर्नमेंट पे डिपेंड हुए. देना बैंक इज द स्मॉलेस्ट अमंग द थ्री, जो तीनों बैंक हैं देना बैंक इन सब में छोटा है. इसका बिजनेस जो साइज टोटल है वो है 1.3 लाख करोड़, कंपेयर टू बैंक ऑफ बड़ौदा का है 10.3 लाख करोड़ एंड विजय बैंक का है 2.8 लाख करोड़. तो मर्जर हुआ है तो सबसे ज्यादा किसका है शेयर, सबसे ज्यादा कितना है, 10.3 लाख करोड़. तो नाम किसका रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजय बैंक का मर्जर हो गया. तो ये आप देख सकते हैं इसका शेयर, इसका जो है बिजनेस वो सबसे ज्यादा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, नीचे क्या रहेगा, देना बैंक और विजय बैंक. नेक्स्ट, टाटा स्टील टू अक्वायर उषा मार्टिन. टाटा स्टील अब किसको अक्वायर कर रहे हैं, उषा मार्टिन को. तो टाटा स्टील हैज डिसाइडेड टू अक्वायर उषा मार्टिन कंपनी 1 million ton स्टील बिजनेस रुपी 4700 करोड़. 4700 करोड़ में टाटा स्टील ने उषा मार्टिन कंपनी को एक्वायर कर लिया है. एक्विजिशन वुड लिफ्ट द कंपनी वॉल्यूम ऑफ द लॉन्ग प्रोडक्ट बाय 24% एंड एक्सपेंड इट्स प्रोडक्ट मिक्स. तो ये आप डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये है टाटा स्टील्स विद उषा मार्टिन, ये दोनों का लोगो आप ध्यान रख सकते हैं. सुषमा टू टॉक इन दी 73rd UNGA मीटिंग इन USA. जो सुषमा स्वराज हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने स्टार्टेड द डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एट दी 73rd यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. UNGA इज व्हाट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. यूएस की जो 73वां है उनमें उनको बोलने का मौका मिला है. मीटिंग विल फोकस ऑन इश्यूज, जो मीटिंग के पॉइंट्स है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी, साउथ साउथ कॉपरेशन. मीटिंग इज हैपनिंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीज्ड अमेरिकन हॉस्पिटलिटी टुवर्ड द वर्ल्ड बॉडी इन पार्टिकुलर एंड मल्टी लेटरिज्म इन जनरल. तो ये टॉपिक्स हैं. तो शी अटेंडेड ए स्पेशल मीटिंग ऑन ड्रग्स ऑन कन्वेंट एट द इंस्टेंस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. She is to attend several bilateral and multilateral meetings over the next few days. तो उनको काफी मीटिंग करने का मौका मिला है. डक से जो मीटिंग हमने भी डिस्कस की जिसमें लोगों ने साइन किया तो उसमें भी ये थी. वो UNGA को 30 सितंबर को उन्होंने एड्रेस किया है. सुषमा स्वराज एक स्पेशल मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज को भी हैंडल करेंगे जो UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की ड्यूरिंग हर स्टे न्यूयॉर्क में जब रहेंगी. तो इन्होंने सारी मीटिंग्स अटेंड की है. तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं और अपनी नॉलेज के लिए आपको ये याद रखना है कि उन्होंने कौन कौन सी मीटिंग में अटेंड की है. फेसबुक इंडिया अपॉइंट्स फॉर्मर हॉटस्टार सीईओ अजीत मोहन एज एमडी एंड वाइस प्रेसिडेंट. जो हॉटस्टार के सीईओ हैं अजीत मोहन को उन्होंने, फेसबुक ने उनको अपॉइंट कर दिया है. उनको क्या, किस पोजीशन पर अपॉइंट किया है, एमडी एंड वाइस प्रेसिडेंट. द पोस्ट वाज लाइंग वैकेंट सिंस द एग्जिट ऑफ उमंग बेदी इन अक्टूबर लास्ट ईयर. ये पोजीशन कब से खाली थी, उमंग बेदी जो अक्टूबर लास्ट ईयर में उन्होंने तब छोड़ दिया था, तब से पोजीशन खाली थी, जो आके फिल की है अजीत मोहन हॉटस्टार के सीईओ ने. अजीत मोहन विल ज्वाइन फेसबुक अर्ली नेक्स्ट ईयर एंड विल बी द फर्स्ट फेसबुक इंडिया लीडर रिपोर्टिंग टू मेलो पार्क एंड नॉट एशिया स्पेसिफिक. तो ये एशिया पैसिफिक में नहीं रिपोर्ट करेंगे, ये लीडर रिपोर्ट करेंगे कहाँ पे, मेनलो पार्क में. ये फर्स्ट फेसबुक के इंडिया लीडर होंगे जो वहां पे रिपोर्ट करेंगे. प्रायर टू हॉटस्टार मोहन आल्सो सर्व्ड एग्जीक्यूटिव वीपी एंड सीनियर वीपी कॉर्पोरेट एट स्टार टीवी नेटवर्क. हॉटस्टार से पहले यहाँ पर थे स्टार टीवी नेटवर्क में. ये उनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है अजीत मोहन जो बनने वाले हैं अभी एमडी एंड वीपी ऑफ फेसबुक. सॉरी.
ईरान स्टार्टर डूब नेम्ड बांग्लादेश ऑफिशियल ऑस्कर्स एंट्री। एक्टर जो इरफान खान है उनकी मूवी है डूब, जिनका इंग्लिश में टाइटल है नो बैड ऑफ रोजेस, हैज बीन चूजन एज बांग्लादेशियल ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर 2019 में इनको चुना गया है। द इंडिया बांग्लादेश को प्रोडक्शन रिटन एंड डायरेक्टेड बाई मोसोटोफा सवार फरूखी। डूब विल कॉन्टेस्ट इन बेस्ट फॉरन लैंग्वेज कैटेगरी, जो 91वें ऑस्कर अवार्ड्स है उसके लिए इसको चुना गया है। ये कब होगा? 24 फरवरी 2019 को। ये आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं मूवी की, ये डूब लिखा गया है यहाँ पे, इंडियन बांग्लादेशी बनाई है, जिनका इंग्लिश में वर्जन है नो बैड ऑफ रोजेस। ये कौन है? सबको पता है, इरफान खान। नेक्स्ट, क्रोएटिया लुका मोद्रिक विंस फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। इनको बेस्ट फीफा का अवार्ड मिला है दिस ईयर, तो इन्होंने ये वन किया है फीफा का बेस्ट वुमेन्स प्लेयर। जो रेस्ट ऑफ फीफा अवार्ड है ये यहाँ पे मैंने इसका दे दिया है, आप यहाँ से डिटेल्स पॉज करके पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि गोल ऑफ द ईयर कौन रहा, मेंस कोच कौन रहा, गोलकीपर कौन रहा है, वुमेन्स कोच कौन रहा है, फैन अवार्ड किसको मिला है, फीफा का फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ये आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं जिनको मिला है कौन सा अवार्ड, बेस्ट प्लेयर अवार्ड का, क्रोएटिया लुका है ये। फ्रेंच फुटबॉल लॉन्चेस वुमन बैलन डोर, जो फ्रेंच फुटबॉल है उन्होंने वुमन्स के बैलन डोर लॉन्च किया है। दिस अवार्ड इज एनुअली फॉर मैन सिंस 1956, 1956 से यह अवार्ड सिर्फ मैन के लिए चलता आ रहा था, यह फर्स्ट टाइम है कि ये वुमन के लिए दिया गया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या है अबाउट फ्रेंच। फ्रेंच ऑफिशियली द फ्रेंच रिपब्लिक है बेसिकली। मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ फ्रांस एक्सटेंड फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी से लेकर इंग्लैंड चैनल नॉर्थ सी एंड फ्रॉम द राइन टू अटलांटिक ओशन। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी कंट्री भी रहती है न्यूज में उसका आपको मैप में पता होना चाहिए कि उसके चारों तरफ कौन सी कंट्री पड़ती है। तीन सागर, तीन ओर से सागर से घिरी है, दो ओर से घिरी है, चारों तरफ से सागरों से घिरी है, किस तरीके की कंट्री है, तो ये आपको पड़ोसी देश कौन है, इसकी कैपिटल क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं ये फीमेल DOR है। होम मिनिस्टर चेयर्ड ए मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल हैड इन लखनऊ। होम मिनिस्टर ने एक मीटिंग सेंट्रल जोन में काउंसिल में हैंडल की है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो सीएम योगी आदित्यनाथ वाज दी वाइस चेयरमैन ऑफ दी काउंसिल। वाइस चेयरमैन कौन थे? योगी आदित्यनाथ, और होस्ट भी थे। सो मीटिंग किस लिए? बेसिकली स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मीटिंग थी इन स्टेट्स की। इट एड्रेस द कॉमन कंसर्न्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स एंड सेटल्ड क्रॉस बॉर्डर कंसर्न, जो उनके पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स के सेटल्ड क्रॉस बॉर्डर के कंसर्न थे उनसे रिलेटेड ये थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ट्रंप एंड किम टू सून मीट इन सेकेंड समिट। अब ट्रंप एंड किम सेकेंड समिट में मिलने वाले हैं जल्दी ही, इन मिल चुके हैं। US President Donald Trump said that he expects a second summit to be soon in with Kim Jong-un. Mr. Trump appreciated the tremendous progress of North Korea as it has halted Pyongyang's nuclear and ballistic missile test में जो उन्होंने महारत हासिल की है उसके लिए मिस्टर ट्रंप ने उनको अप्रिशिएट किया है। It appears they will have a second summit उनकी जल्दी ही हो सकती है। ये किम जोंग आप देख सकते हैं और ये हैं ट्रंप। सेंट्री सेलिब्रेशन ऑफ दक्षिणा भारत हिंदी प्रचार सभा इनोग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया है हिंदी प्रचार सभा बेसिकली। तो द मेन एम इज टू वेरीफाई इंडियन डाइवर्सिटी एंड मल्टी कल्चरिज्म। अबाउट दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के बारे में देख लेते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गोल क्या है, हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य को जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल है साउथ इंडिया के उसमें इनको बढ़ाना। हेडक्वार्टर है चेन्नई में। फाउंडर कौन थे? एम के गांधी एंड एनी बेसेंट। का फाउंड हुआ 1918 में। ये आप पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, ये महात्मा गांधी की पिक्चर है, ये रामनाथ कोविंद जी हैं जो इसका इनोग्रेट कर रहे हैं। इंडिया टू इंट्रोड्यूस हेल्पलाइन नंबर ऑफ तंबाकू यूजर्स। इंडिया ने तंबाकू यूजर्स के लिए हेल्पलाइन लॉन्च की है और हेल्पलाइन क्या है, 1811-23-56 ये हेल्पलाइन नंबर है जो लॉन्च किया गया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल बाय मेकिंग मैंडेट डिस्प्ले ऑफ पिक्चर। आप देखते हैं कि समय समय पर पिक्चर रील से, कोई वीडियो से, कोई एड से, आजकल तो मूवी से पहले भी यही एड आती है, तो वहां भी लोगों को दिखाया जाता है कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उसी के लिए हेल्पलाइन नंबर है जो लॉन्च की गई है सेप्टेम्बर 2018 से। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री है अमंग द सार कंट्रीज जिसने ये हेल्पलाइन लॉन्च की है, और एशिया में ये फोर्थ कंट्री है थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर के बाद जिन्होंने ये हेल्पलाइन लॉन्च की है।
इब्राहिम मोहम्मद सोहनी वन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन मालदीव्स। तो मालदीव के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो किसने जीते हैं? इब्राहिम मोहम्मद सोहनी ने। उन्होंने प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन को हराया है। रिजल्ट वर रिलीज बाय द इलेक्शंस कमीशन। शॉन सोहनी हैज सिक्योर्ड 58.3 वोट के साथ ये जीते हैं। तो ये आप इनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। ओडिशा गवर्नमेंट चेंज नॉमसिंग फूड एंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। फूड एंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में गवर्नमेंट ने चेंज किया है। ओडिशा की गवर्नमेंट ने ओडिशा गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ईज द एंट्री ऑफ मोर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स इन टू द प्रोक्योरमेंट फॉल्स फॉर दिस नॉम्स ऑफ FPP यानी कि फूड एंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर द खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए उन्होंने ये चेंज कर दी है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं खरीफ की फसल के लिए। मल्टी कॉर्डर फॉर सोफिस्टिकेटेड मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। The researchers from the University of Glasgow, UK developed a multi-quarter, a device that could help. ये device है multi-quarter का जो help करेगा sophisticated medical diagnostics में। तो the multi-quarter took inspiration from Star Trek's famous tricorder devices है basically ये tricorder। ये quick and accurate diagnostics के लिए use किया जाएगा। इस device को आप pair करेंगे hand sandal sensor के साथ एक smartphone app के through। और ये टू मेजर दी लेवल्स ऑफ वेरियस मेटाबोलिज्म इन फ्रूट सैंपल्स। जो आपके फ्रूट सैंपल्स में मेटाबोलिज्म है उसको ये बता दिया जाएगा। तो द एबिलिटी टू रैपिडली डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई मल्टीपल मेटाबोलिज्म बायोमार्कर्स मॉनिटरिंग मेक्स द डिवाइस पार्टिकुलर यूजफुल इन केस ऑफ हार्ट अटैक कैंसर स्ट्रोक। तो जो भी कैंसर है स्ट्रोक है हार्ट अटैक है तो इन चीजों के लिए ये जो भी है सिम्टम्स पहले ही डिटेक्ट कर लेगा। ये आप देख सकते हैं। जसदेव सिंह एन अमिनेंट कमेंटर पास्ट अवे। जसदेव सिंह जो एक कमेंटर थे वो पास्ट हो गए हैं 26 सितंबर को। बहुत टाइम से वो बीमार चल रहे थे इसीलिए 87 ईयर्स के वो थे। वो इनके एक सन है एक टोटल है। जयपुर में जसदेव बड़े हुए हैं और इन्होंने अपना कैरियर AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो जयपुर स्टेशन से शुरू किया था 1959 में। He was impressed by the Renault Melville Devolos non-stop 7-hour English commentary. जो English commentary के एक बहुत ही बड़े हैं ये Renault Melville Devolos। इनसे inspire होके उन्होंने बने थे during महात्मा गांधी funeral। तो तब उन्होंने देखा था तो अब इन्होंने ये हिंदी commentator बने हैं। इतना decide किया था तब से और ये एक commentator रह चुके हैं अपने यहाँ पे हिंदी के। His career spent 5 decades. 5 decades तक उनका career चला। इन्होंने 9 Olympic 8 हॉकी वर्ल्ड कप्स और मोर देन 45 रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस फॉर AIR दूरदर्शन पे इन्होंने कवर किए हैं। इनको पद्मश्री मिला 1985 में। ओलंपिक ऑर्डर इन 1988 फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन इन ओलंपिक मूवमेंट में। पद्म भूषण 2008 में एंड वॉज बेस्टोर्ड विद द ऑनर ऑफ राजस्थान रत्न मिला था 2014 में। ये आप इनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं इन पर्सनैलिटी की। जसदेव सिंह। सैमसंग लॉन्च ट्रिपल रियर कैमरा फोन। ये सब तो आपको पता ही होगा कि सैमसंग का ट्रिपल रियर कैमरा फोन आ गया है। जिन लोगों को इंटरेस्ट है या फिर टीवी भी देखते हैं यूट्यूब तो आप देखते ही हैं सब, तो एड्स आपको पता चले होगा कौन सा फोन है जिसका ट्रिपल रियर कैमरा है। सैमसंग का आया है गैलेक्सी A7। तो इसके बारे में आई गेस मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है A सीरीज चलती है, G सीरीज चलती है, क्या प्राइसेस है, क्या वेरिएशंस है, कितने कलर्स आए हैं, ये सब आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं आपको बस ये दिखा देती हूँ जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। ये ट्रिपल ईयर कैमरा है। अभी तक बेसिकली 2 कैमराज आते थे। ये सैमसंग का फर्स्ट मोबाइल आया जिसमें कि 3 कैमराज अवेलेबल है बेसिकली। इससे पहले आप देख सकते हैं वन प्लस पोको एम आई का सब में 2 कैमरा है। इसी में है ट्रिपल कैमरा। ए का सीरीज का 7 मोबाइल आएंगे। स्वेडिश प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लेवन्स वाज आउटसाइड इन द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जो स्वेडिश के प्राइम मिनिस्टर हैं स्टेफन लोफन वाज आउटसाइड इन द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को वोट मिला इनको। द रीजन cited that Mr. Lofven intended to try to form a government. उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाने की ट्राई की। Among the 349 members of parliament, a total of 204 of the voted against of Lofven. तो 349 मेंबर पार्लियामेंट के उसमें से 204 लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया है जबकि 142 उनके फेवर में रहे। तो उनको वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मिला बेसिकली, जो अपने आप में अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं, वही सब हुआ है उनके साथ। तो स्वीडन से रिलेटेड आप कैपिटल भी याद रखोगे क्या है स्टॉकहोम, करेंसी स्वेडिश क्रोना और कॉन्टिनेंट क्या है यूरोप है। तो ये आप इनके पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। ICICI प्रूडेंट लाइफ एंड सरस्वत बैंक पार्टनर्ड अप फॉर ए पेन कैश्योरेंस।
एक बैंक इंश्योरेंस हुई है आईसीआईसीआई एंड सारस्वत बैंक के बीच में, इन दोनों ने पार्टनरशिप की है इंश्योरेंस के लिए। दिस इंक्लूड 280 ब्रांचेस ऑफ सारस्वत बैंक इन महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक। तो 280 ब्रांच जो सारस्वत बैंक की है महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, इन सबको करेगी। और आईसीआईसी आप ये देख सकते हैं जितने भी ब्रांच है ये सब जो लाइन है उनकी ये करेंगे। आईसीआईसी प्रो हार्ट कैंसर प्रोटेक्ट, प्रो आई प्रोटेक्ट स्मार्ट, प्रो फ्यूचर परफेक्ट, प्रो सेविंग सुरक्षा, प्रो कैश एडवांटेज, बेसिकली ये रहेंगे। तो आईसीआईसीआई पार्टनरशिप के लिए है किसके साथ, सारस्वत बैंक के साथ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, MOM completed 4 years of its journey. What is MOM? यहाँ पे memorandum वाला MOM नहीं है, MOM is basically ISRO का जो MOM था, Mars Orbiter Mission, वो उसने 4 साल पूरे कर लिए हैं। MOM कब लॉन्च हुआ था, November 5, 2013 में, और मार्शियन ऑर्बिट में कब रखा गया था, September 24, 2014 में। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पिक्चर है MOM की, ये सोलर आरे है, ये प्रोपेलेंट टैंक है, ठीक है, ये हाई गेन एंटीना है, ये लो गेन एंटीना यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मीडियम गेन एंटीना है, इस तरीके से है। इंडिया रैंक 158 अमंग 195 कंट्रीज फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन लैंसेट। तो इंडिया को 158 मिला है उन 195 में से हेल्थ में और एजुकेशन में। तो सर्वे जो बेसिकली था वो 195 कंट्रीज का था, ये आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं इंडिया के रैंक है, ह्यूमन कैपिटल में 158, सर्वाइवल 136, एजुकेशन 131, लर्निंग 150, हेल्थ 187, ह्यूमन कैपिटल 5, सर्वाइवल 6, एजुकेशन 4, लर्निंग 7, हेल्थ। ये साउथ एशिया की है, ये ब्रिक्स के बीच में है, ये ग्लोबल रैंकिंग है। डॉक्टर हर्षवर्धन इनोग्रेटेड एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस वे यू इन न्यू दिल्ली। वे यू इज बेसिकली विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया है। ये इस डेवलप की गई है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR एंड नेवी। ये पार्ट है टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट बिंग फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के। 54 और जो डिवाइसेस है वो इंस्टॉल हो जाएंगे 15 अक्टूबर तक न्यू दिल्ली में। तो ये आप देख सकते हैं VU, ये ऐसा इंस्टॉलेशन है जो लगाया गया है एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। हैदराबाद मेट्रो बिकम्स इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क। जो हैदराबाद मेट्रो है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क बन चुका है। फर्स्ट कौन है, दिल्ली। आफ्टर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना गवर्नर ESL नरसिम्हा फ्लैग ऑफ 60 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ हैदराबाद मेट्रो बिटवीन अमीरपेट से लेकर एलबी नगर तक। तो ये सेकंड बन गई है और पहले नंबर पे दिल्ली है 46 किलोमीटर की सर्विस। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट है, जिसमें टोटल एस्टिमेट कॉस्ट है वो कितनी आई है, 20,000 करोड़। आप यहाँ पर देख सकते हैं हैदराबाद मेट्रो का मैप, जैसे अपने दिल्ली का मैप होता है, ये हैदराबाद मेट्रो का मैप है। मेंटेक वॉन द इनोवेशन अवार्ड, मेंटेक को अवार्ड मिला है, पांडिचेरी बेस्ड कार इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है ये, इनको इनोवेशन अवार्ड मिला है एट ऑटो मैनिका में, ए लीडिंग ट्रेड फेयर जो लगता है जर्मनी में वहां पर। तो जम्बो ने वर्ल्ड फर्स्ट 3D व्हील अलाइनर फॉर मल्टी एक्सल ट्रक्स के लिए, बसेस के लिए, ट्रेलर्स के लिए, ये अवार्ड इनको इस इनोवेशन के लिए दिया गया है। ये अवार्ड किसने रिसीव किया, मेंटेक के चेयरमैन ने डॉक्टर मिस्टर आर मनाथन ने। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका ये जो मेंटेक है उसका आप ये देख सकते हैं किस तरीके से वर्क करता है। इंडिया लूजेस इज द बेस्ट स्टॉक मार्केट टैग टू न्यूजीलैंड। इंडिया के पास जो था एशिया का बेस्ट स्टॉक मार्केट वो अब किसको मिल गया है, न्यूजीलैंड को। तो इंडिया ने ये लॉस कर दिया गया है एशिया बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट का, इस ईयर अब मिला है न्यूजीलैंड को। इंडिया इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स अप टू 7.6% है बिगिनिंग ऑफ द ईयर से, कंपेयर्ड विद 11% केयर इन द न्यूजीलैंड एक्सचेंज 50 क्रॉस इंडेक्स। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं द लास्ट स्ट्रीट, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पिक्चर है। गवर्नमेंट रिकॉर्डेड मोर देन 12,000 करोड़ बिजनेस ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। GEM इज बेसिकली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जैसे ई छोटा लिखा होता है ना तो आप ये थोड़ा सा गेस कर सकते हो, बेसिकली ये ई होता है। दिस वॉज फॉलोड बाय द लॉन्च ऑफ द मिशन इन 19 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये लॉन्च हुआ है 19 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में। इस डेट तक 800,000 ट्रांजेक्शन हुई है जो 12,239 करोड़ की हुई है। ये है ऑनलाइन मार्केट, यहाँ पे आप बेच सकते हो और गवर्नमेंट बाय करेगी।
ठीक है, ये सेलर है और गवर्नमेंट बाय करेगी। अंबानी टॉप बार्कलेस हुरोन इंडिया रिच लिस्ट। अंबानी ने बार्कलेस की हुरोन इंडिया जो रिच लिस्ट है उसको टॉप किया है। बार्कलेस की हुरोन इंडिया रिच लिस्ट निकलती है 2018 में, जो अब की बार निकली है, इसमें मुकेश अंबानी टॉप है। मुकेश अंबानी की पिक्चर तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो लोग अमीर बनने के सपने देखते हैं, जो लोग बिजनेस का माइंड रखते हैं, उन लोगों को मुकेश अंबानी के बारे में बिल्कुल पता होगा क्या चीजें हैं, सब उनको पता है, उनके घर के बारे में क्या यूज करते हैं, कैसी पर्सनैलिटी है। तो हम सिर्फ इंडेक्स देख लेते हैं, ये इंडेक्स देख सकते हैं आप, फर्स्ट नंबर पर कौन है, मुकेश अंबानी। इनके पास इतनी वेल्थ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, महाराष्ट्र में रहते हैं, एज उनकी इतनी है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, यूएन डिक्लेयर 2019-2028 एज नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस। यूएन ने 2019 से 2028 के लिए नेल्सन मंडेला डिकेड ऑफ पीस लॉन्च किया है। उन्होंने एक स्टैचू भी बनवाया है नेल्सन मंडेला का यूएन में, उसकी 100 एनिवर्सरी पे, तो ये आप देख सकते हैं, ये है नेल्सन मंडेला। नेपाल टू बिकम वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू डबल इट्स टाइगर प्रोडक्ट पॉपुलेशन। नेपाल फर्स्ट कंट्री बन गई है वर्ल्ड की जिन्होंने क्या लॉन्च किया है, टाइगर्स को डबल करने के लिए। तो जो उनका मेन एम है वो क्या है, टाइगर्स को डबल करें ऑल ओवर द वर्ल्ड। गवर्नमेंट के नेपाल ने अनाउंस किया कि सितंबर 23, 2018 जो नेशनल कंजर्वेशन डे होता है उस दिन उन्होंने एस्टिमेट किया कि 235 वाइल्ड टाइगर है नेशन में, तो उनको डबल करना है, नियरली डबल दी नंबर फ्रॉम द अराउंड 1:1 इन 2009। 2009 में कितने थे, 1:1, अब 235 में, 235 2018 में। तो टी इंटू क्रॉस एक्स आप देख सकते हैं, यानी कि डबल करना है टाइगर को। साउथ अफ्रीका रिलॉन्च T20 लीग। साउथ अफ्रीका ने T20 को रिलॉन्च किया है। T20 के बारे में आई गेस मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्रिकेट के बारे में जिनको पता है वो सब नॉलेज रखते हैं, तो ये आप बस पिक्चर देख सकते हैं। ईसी सेड VVPAT सप्लाई फॉर द लोकसभा पोल्स ऑन 2019 इज ऑन ट्रैक। ईसी इज बेसिकली इलेक्शन कमीशन सेड दैट सप्लाई ऑफ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स फॉर यूज इन द लोकसभा पोल्स इन 2019 वाज ऑन ट्रैक एंड दैट इज वाज कमिटेड टू 100% डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन एट ऑल पोलिंग स्टेशन। तो अभी सबको पता है इलेक्शन होने वाले 2019 में, तो उसके लिए सारे सामान की तैयारी हो चुकी है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपकी बैलेट पेपर, ये आप जो मशीन है यहाँ पे आप साइन देखे जैसा प्रेस करते हैं, तो ये सारी वोटिंग की सुविधाएं हो चुकी है, सप्लाई हो चुके हैं। IAF सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड BVRAAM अस्त्रा। इंडियन एयरफोर्स ने एक टेस्ट फायर की है, डेवलप किया है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ये BVRAAM क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये आप याद रख सकते हैं, SU-30 एयरक्राफ्ट से। इट वॉज टेस्टेड एट दी कलीकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पे इसको टेस्ट किया गया। टेस्ट मिशन इंक्लूडेड एंगेजमेंट ऑफ टारगेट एट अ वेरी लॉन्ग रेंज, एंगेजमेंट ऑफ हाई मोनोमेरिटी टारगेट एट द मीडियम रेंज, मल्टीपल लॉन्च करके इनको देखा गया है, फिर उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर। रिसर्चर सेज दैट वर्ल्ड बिगेस्ट बर्ड वाज वोरम टाइटन। हम अब तक क्या मानते थे कि शत्रुमुख सबसे बड़ा पक्षी होता है, राइट? लेकिन एक स्टडी के द्वारा स्टडी ने रिलीज किया है कि ब्रिटिश साइंटिस्ट ने ये बेसिकली खोज की है कि एक स्पीसीज है एलिफेंट बर्ड, उसको हम बोल रहे हैं हाथी पक्षी, यानी कि बड़ा पक्षी है वो, विद अ स्पेसिमेन वेइंग एन एस्टिमेट ऑफ 860 किलो का हम उसका अनुमान लगा रहे हैं, अबाउट द सेम एज ए फुल्ली ग्रोन जिराफ, यानी कि एक जिराफ जो पूरा फूल जाता है उसको हम फुला दे, तो इस तरीके का एक पक्षी। साइंटिफिक सजेस्ट दैट दे कुड नॉट हैव डेफिनेटली फ्लोन एज दे कुड नॉट हैव सपोर्टेड एनीवेयर नियर देयर वेट बाय एग्जामिन द बोन्स। तो बेसिकली बोन्स मिली है जिसके आधार पर हमने बताया कि ये इतने किलो का होगा, इतना बड़ा होगा, और वो थ्योरी रिसर्च की है। एलिफेंट बर्ड बोन्स आर राउंड अराउंड द वर्ल्ड में पाए जाते थे चारों तरफ। द डाटा कलेक्टेड वर्ड थर्स फैड इन टू ए मशीन लर्न एल्गोरिथम टू क्रिएट ए स्प्रेड ऑफ एक्सपेक्टेड एनिमल साइज। द बर्ड वॉज नेम्ड वोरम टाइटन मलागेसी फॉर द बिग बर्ड के लिए है। तो एवरेज हम लेके चलते 650 किलो का था, 10 फीट का था, एटलीस्ट 3 मीटर्स यानी कि 10 फीट लंबा, ये हम देखते हैं। बेसिकली ये आप जो देख रहे हैं ये उनकी बॉडी आपकी बोन्स हैं, ये पिक्चर थोड़ी पीछा छुप गई है, तो ये बेसिकली इसमें क्या है, ये आप एक बार नजर देखिए, ये जो हमारा सर इतना है और ये इतना बड़ा है, हाइट है इसकी है 3 मीटर,
एवरेज है इसका 660 किलोग्राम, फ्लाइटलेस, वोरम बम टाइटन यानी कि बिग बर्ड हमने इसको बोला है, इसकी रेंज मदंगस्कर, डाइट हर्बीवोरस, स्टेटस एक्सटिंक्ट है, 1000 साल पहले ही जा चुका है, हंटेड टू इट्स डिमांडेड बाय द ह्यूमंस। सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप सेक्शन 497 आईपीसी शेज अडल्ट्री नॉट ए क्राइम। 497 सेक्शन भी आपने अभी न्यूज में बहुत सुना होगा, तो वो क्या है बेसिकली वो देख लेते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ऑन सेप्टेम्बर 27 अनएनएसमली स्ट्रक डाउन सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस लेवल की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये पिनल कोड इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो 497 सेक्शन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग दैट मेक्स अडल्ट्री ए पनिशेबल ऑफेंस फॉर मैन। ये 5 जज की बेंच बैठी जिसको चीफ जस्टिस रहे दीपक मिश्रा, उनके अंडर ये हुआ फैसला। 158 ईयर ओल्ड लॉ वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड फेल फॉल ऑफ आर्टिकल 21 में। जो आर्टिकल 21 है हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जीने का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार, तो उन जो लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसके ये उसको रखता है सही। जो समानता का अधिकार है उसमें क्या होता था कि यानी एडल्ट्री, अगर कोई महिला है विवाहित है उसका किसी और पुरुष के साथ आपस में संबंध है उनका आपस में संबंध है राजी खुशी यानी कि सहमति के साथ, तो क्या होता था जैसे ही कोई फीमेल अगर रिपोर्ट करती थी तो सजा किसको मिलती थी, पुरुष को मिलती थी, फीमेल को नहीं मिलती थी। तो अब ये एडल्ट्री को खत्म कर दिया गया, अब ये पनिशेबल नहीं है 497 के अकॉर्डिंग। तो ये आप देख सकते हैं, प्ली फाइल्ड इन एससी चैलेंजिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी बाय एन एनआरआई फ्रॉम केरला, जोसेफ सीन। जोसेफ सीन ने इसको फाइल किया, जो एनआई थे केरला के, उन्होंने सेक्शन 497 प्राइमा फेशन उन्होंने बताया कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जो आर्टिकल 14 है वो बोलता है राइट टू इक्वल, ठीक है, और हमारी राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, उसको लेकर ये अनकॉन्स्टिट्यूशन था, उसके रिगार्डिंग ये है। तो एससी ने इस पे फैसला लिया है कि सेक्शन 497 की जो आपका एडल्ट्री है वो एक क्राइम नहीं है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या फैसला रहा है, दिसंबर 8 को, जनवरी को, फिर जुलाई में, और सेप्टेम्बर 27 को ये फैसला आया बेसिकली। तो आप ये पूरा यहाँ से रीड कर सकते हैं। 3 जेल सऊदी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अवार्डेड अल्टरनेटिव नोबल राइट लिवलीहुड अवार्ड। जो अल्टरनेटिव नोबल भी जिसको जाना जाता है, हैज बीन गिवन टू 3 जो जेल में थे, ये 3 सऊदी ह्यूमन राइट्स, उनको ये मिला गया है, मिलाया है। 2 लैटिन अमेरिकन एंटी करप्शन को भी मिला है। तो ये इनके नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये है उनकी पिक्चर। जापान बिकम्स वर्ल्ड फर्स्ट टू लैंड रोवर्स मिनर्वा 11 ऑन एस्ट्रॉइड राहु। जापान बिकम्स द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड 2 रोबोटिक रोवर्स ऑन एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड पर जापान ने विश्व का पहला देश बन गया है जिसने क्या किया है, 2 रोबोट रोवर को एस्ट्रॉइड पे छोड़ा है। This is the first time that world will observe the surface of an asteroid via moving robots. ये पहली बार होगा कि पूरा संसार क्या करेगा, robots move करते हुए observe करेगा asteroid पे। तो ये मिनर्वा सेकेंड ए के बारे में है, और ये राइगु एक ब्लैकिश कलर्ड है, बेसिकली डायमंड शेप्ड एस्ट्रॉइड है। ये रोटेट करेगा एक्सिस पे एवरी 7.5 आवर्स। हम देख लेते हैं कैसे, ये मिनर्वा रोवर है, ये यहाँ पे होप आपको दिख रही है, ये कॉमन कमांड डिलीवरी, और ये रिलाय कंपोनेंट है। ये बेसिकली ऐसे है, ये मिनर्वा सेकेंड यहाँ पे है एस्ट्रॉइड पे, जिससे हम सारी एक्टिविटी ऑब्जर्व करेंगे 2 रोबोट्स के जरिए। तो इंडिया टू ऑर्गेनाइज गांधी मार्च इन नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में भी इंडिया ने गांधी मार्च को ऑर्गेनाइज किया है। इंडिया विल ऑर्गेनाइज गांधी मार्च फ्रॉम द आइकॉनिक पीस प्लेस एट द ह्यूग टू ब्रॉक ट्रैक ऑन सेप्टेम्बर 30 टू लॉन्च द 2-ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन। 150 बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की, उसमें इन्होंने लॉन्च किया। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पे। 5 अदर इवेंट्स विल बी हेल्ड इन द हेग, एम्स्टर्डम, ज्यूरिक एंड ज्योटिमीर। नीदरलैंड हैज अ स्पेशल कनेक्शन टू इंडिया एंड महात्मा गांधी। देयर आर अराउंड 30 स्ट्रीट्स इन द कंट्री नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के नाम पर कम से कम 30 गलियां हैं नीदरलैंड में जिनके नाम उनके नाम पर नाम रखा गया है। तो वी स्टैंड फॉर नॉन वायलेंस फॉलो महात्मा गांधी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेबी अप्रूव्ड बीएससी गोल्ड सिल्वर फ्यूचर। तो सीबीएसई ने बीएससी के गोल्ड सिल्वर के लिए भी फ्यूचर के भी जो है अप्रूव कर दिया गया है।
तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होती है बीएससी टाइप की, बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज है। लोकेशन कहाँ ये, मुंबई महाराष्ट्र में, दलाल स्ट्रीट। फाउंडेड कब हुई, 9 जुलाई 1875 में। फाउंडर कौन थे इसके, मिस्टर प्रेमचंद रॉयचंद। चेयरमैन कौन है, श्री एस रवि। सीईओ कौन है, मिस्टर आशीष कुमार चौहान। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। 8 डे लॉन्ग इंदिरा यात्रा फेस्टिवल बिगेन्स इन काठमांडू। काठमांडू में जो 8 दिन तक चलता है यात्रा का फेस्टिवल, वो बिगेन हो चुका है। ये पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके का ये फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करते हैं नेपाल में, जो 8 दिन तक चलता है। इंडिया इकोनॉमी फोरकास्ट रिमेन अनचेंज्ड एट 7.3% फॉर 2018 एशियन डेवलपमेंट बैंक। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट संतोष कुमार गंगवार। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के कौन है, संतोष कुमार गंगवार ने इनोग्रेट किया है 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सीलेंस इन वर्कप्लेस सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। न्यू दिल्ली में हुआ ये, FICC फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक हाइपर कार कंसेप्ट वाजीरानी शूल अनवील्ड। मुंबई बेस्ड वाजीरान ऑटोमेटिव हैज अनवील्ड देयर फर्स्ट टर्बाइन इलेक्ट्रिक हाइप कार, जो है वो कंसेप्ट है वो लॉन्च हो गया है। शूल का बेसिकली है मीनिंग, ये प्रोनाउंस शूल करेंगे इसको, जिसको हिंदू गॉड शिवा से ड्राइव किया गया है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर। कैबिनेट अप्रूव्ड पॉलिसी ऑफ DOT डॉट टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड एक्सेस टू ऑल सिटीजन बाय 2022। यूनियन कैबिनेट ने जो बुजुर्ग हैं उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की है, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या है पॉलिसी में। $100 बिलियन इस पे खर्च किए जाएंगे। 4 मिलियन एडिशनल जॉब इससे क्रिएट होंगी। हर एक सिटीजन को जो ब्रॉडबैंड है वो उसका एक्सेस मिले, उसकी स्पीड कितने पे मिले, 50 Mbps के लिए, ये इसके लिए है। कैबिनेट क्लियर्स प्रपोजल टू कन्वर्ट GSTN इनटू गवर्नमेंट कंपनी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो अरुण जेटली है, उन्होंने अनाउंस किया कि कैबिनेट क्लियर है प्रपोजल टू कन्वर्ट GSTN गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इनटू 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी रहेगी GST। 50% स्टेक विल बी ओन बाय द सेंटर एंड द रिमेनिंग बाय द स्टेट। यानी कि 50% किसके पास रहेगा, सेंटर के पास, और 50% किसके पास रहेगा, स्टेट के पास। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं GST। 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सीलेंस इन वर्क प्लेस सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ इन न्यू दिल्ली। 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है एक्सीलेंस इन वर्क प्लेस सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशन, ये न्यू दिल्ली में हुई है। वेब पोर्टल इसका आप यहाँ सामने दिख रहा है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये फर्स्ट वन ऑफ काइंड MSME क्रेडिट स्पेस है, जो इंश्योर करेगी सीमलेस लोन अप्रूव्ड अप टू 1 करोड़ विद इन 59 मिनट फ्रॉम SIDBI एंड 5 PSPs। इसका बेसिकली जो मतलब है वो क्या रहेगा, आपका 1 करोड़ तक का लोन 1 मिनट मतलब 1 घंटे में, यानी कि विद इन 59 मिनट SIDBI और 5 PSP से होगा। अप्रूव्ड लोन विल बी डिस्पर्स इन 7 to 8 working days रिड्यूसिंग द टर्न अराउंड टाइम फ्रॉम 25 to 29 मिनट टू 59 मिनट। जो 7-8 दिन में उसका टाइम को कम करेंगे, उसके बाद इसको 59 मिनट पर लेंगे बेसिकली। तो ये आप हुआ है 26 सितंबर को न्यू दिल्ली में। ऐसी अप्रूव्ड लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग एज इट ऑब्जर्व द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कैन वर्चुअली एक्सपैंड द कोर्ट बियॉन्ड द 4 वॉल्स ऑफ कोर्ट रूम। तो वर्चुअली आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिखेगी सुप्रीम कोर्ट की, जो आपके कोर्ट के बियॉन्ड से भी आपको लाइव स्ट्रीम दिखाई जा सकती है। द बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने जस्टिस AM खानविलकर एंड DY चंद्रचूड सेड दैट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द कोर्ट रूम वुड हेल्प पीपल हु आर इन डिस्टेंट प्लेस टू विटनेस द प्रोसीडिंग। SC आल्सो लेड डाउन सेवरल कंडीशन मोस्टली इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद दोज हैंडेड ओवर द अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन है, KK वेणुगोपाल। तो ये इस तरीके से आप लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। जनधन दर्शक इस सिटीजन सेंट्रिक फाइनेंशियल सर्विस लोकेटर ऐप लॉन्च बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक ऐप लॉन्च की है, वो क्या है, जनधन दर्शक। दिस मोबाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय द, ये किसने डेवलप की है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस DFS और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने। इट विल एक्ट एज अ लोकेटर ऐप गाइडिंग कॉमन पीपल टू फाइंड फाइनेंशियल सर्विस टच पॉइंट एट गिवन लोकेशन इन द कंट्री। कंट्री में गिवन लोकेशन पे कहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस मिल सकती है, उसके लिए गाइड करेगा। और 5 लाख FI टच पॉइंट्स, बैंक ब्रांचेस, ATM, पोस्ट ऑफिस, तो ये सब मैप किए गए हैं। तो ये इंक्लूड हो जाएंगे 1 दिसंबर 2018 तक। GIS ऐप है ये, जनधन दर्शक। मोदी वॉज अवॉर्डेड चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है मोदी को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस का ये अवार्ड है, हाईएस्ट एनवायरमेंटल
एन ओनर का वर्ड है ये, बेसिकली चैंपियन ऑफ द अर्थ फॉर इज लीडरशिप ऑफ द बैंड प्लीज टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022। किसके लिए मिला है जो हम प्लास्टिक है वो सिंगल यूज उसका हटा देंगे 2022 तक एक भी यूज नहीं करेंगे। सिक्स ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटल चेंज मेकर वर अवार्डेड द ऑनर। द अवार्ड रिकॉग्नाइजेस द कॉम्बिनेशन ऑफ बोल्ड इनोवेटिव एंड टायरलेस एफर्ट टू टैकल सम ऑफ द मोस्ट अर्जेंट एनवायरमेंटल इश्यूज। बेसिकली ये किस लिए दिया जाता है, ये हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर अवार्ड है एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनसे टैकल करने के लिए, उनको दूर करने के लिए। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉज ऑनर्ड विद द अवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विजन फॉर द इट्स लीडरशिप इन द यूज ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। और एंटरप्रेन्योरशिप में किसको मिला ये, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये बेसिकली सिक्स अवार्ड मिले हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं किस किस को कौन सा अवार्ड मिला है। इंडिया रैंक 96 ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, हांगकॉन्ग सिंगापुर रिटेन टॉप स्पॉट। इंडिया की रैंक रही है इकोनॉमिक फ्रीडम में 96, ये रैंक मैंने आपको पिक्चर पहले भी दिखाई है, और हांगकांग एंड सिंगापुर की टॉप रहे हैं। बेसिकली हांगकांग है फर्स्ट पर और सिंगापुर रहा है सेकंड पर। जो टॉप 10 कंट्रीज है वो कौन सी है, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, यूएस, गोर्गिया, मॉरिशियस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा। तो ये 2017 में हम 98 थे, 2018 में हम 96 पर आ गए हैं, हांगकांग अभी भी फर्स्ट पे है। सुप्रीम कोर्ट लिफ्ट द बैन ऑन एंट्री ऑफ वुमन इन सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल है केरला का टेम्पल है ये, तो वहां पे जो वुमन है 10 से 50 साल की उनका बैन था कि वो यहाँ पर नहीं आ सकती हैं। 800 साल पुराना ये टेम्पल है और इनपे अलाउइंग बैन था, अब इस बैन को हटा दिया गया है, अब वुमन भी वहां पर विजिट कर सकती है। ये पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये फैसला लिया है 5 जज की बेंच ने जिसको चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने ही हेड किया है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी जो फैसले आ रहे हैं वो बेसिकली सब में आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं, तो वो जाते जाते अपने पद से ये सारे फैसले लेते जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, कोर्ट्स क्या आई है सबरीमाला केस से, वुमन आर नॉट इन्फीरियर टू मैन, बायोलॉजिकल रीजन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन फेथ, रिलेशनशिप विद गॉड कैन नॉट बी डिफाइंड बाय बायोलॉजी, और पर्टिकुलर आइडियाज कैन नॉट बी ट्रम्प ओवर डिवोशन। सेंटर अपॉइंटेड सर्च कमेटी फॉर लोकपाल एंड लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त के लिए कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी 8 मेंबर की होगी सर्च कमेटी। द स्टेप केम आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू अपॉइंट लोकपाल एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाना है ये। द सर्च कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाई द सिलेक्शन कमेटी, सर्च कमेटी विल बी हेडेड बाई द, किस कौन हेड करेगा इसको, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इसको हेड करने वाले हैं। सिलेक्शन कमेटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी कांग्रेस कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, जूरिस्ट मुकुल रस्तोगी, ये सिलेक्शन कमेटी के हैं। और जो सर्च कमेटी है उसको कौन हेड कर रहा है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सर्च कमेटी के मैंने यहाँ पे पूरे मेंबर्स भी देंगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन मेंबर क्या है। जैसे अरुंधति भट्टाचार्य फॉर्मर सीबीआई चीफ है, एएस किरण कुमार फॉर्मर इसरो है, तो ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। आईआईएससी बैंगलोर नेम्ड इंडियाज बेस्ट यूनिवर्सिटी इन टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019, जो टाइम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2019 की, तो आईआईएससी बैंगलोर ने इंडियाज की बेस्ट यूनिवर्सिटी में यानी कि टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट में 5th रही है स्टेट इन दिस ईयर टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। IIT इंदौर 351 से 400 का सेकंड प्लेस है, अहेड ऑफ IIT बॉम्बे एंड IIT रुड़की से आगे है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपना फर्स्ट प्लेस को होल्ड किए हुए है कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड एंड MIT के फॉलो करते हुए। USAID इंडिया एंड TB अलायंस फॉर्म्ड बिटवीन इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स टू कॉम्बैट ट्यूबरक्लोसिस, तो इंडिया ने ट्यूबरक्लोसिस को एंड करने के लिए यूएस के साथ मिलकर किया है। ये एम रखा गया है कि टीबी फ्री इंडिया होगी 2025 तक, ये आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। इंडिया बांग्ला बॉर्डर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन मिजोरम में हुई है, इंडिया बांग्ला की बॉर्डर की कॉन्फ्रेंस, तो एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया और बांग्लादेश में। ये कहाँ पर हुई है, आइजावल में। डेलीगेट्स फ्रॉम बोथ साइड, डेलीगेटेड बोथ द बॉर्डर इश्यूज जो है बिटवीन दोनों कंट्रीज के रिलेटेड, उससे रिलेटेड ये हुई है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं उनकी कॉन्फ्रेंस हॉल की।
वर्ल्ड टूरिज्म डे 2018 सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 27। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया गया है? 27 सितंबर को मनाया गया है। ये 1980 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? UNWTO ने, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइज एनुअली इन सितंबर 27। 27 सितंबर को ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। इसकी थीम क्या है? टूरिज्म एंड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इसकी थीम रही है। ऑफिशियल सेलिब्रेशन दिस ईयर कहाँ हुआ है? हंगरी में हुआ है। और इन इंडिया सेलिब्रेशन बिगन इन गोवा एंड आर ऑर्गेनाइज्ड बाय गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट ने, GDDC ने बनाया है। इंडियन रेलवे टू लॉन्च स्मार्ट कोचेस। इंडियन रेलवे ने स्मार्ट कोचेस, जो मेक इन इंडिया के तहत स्मार्ट कोचेस लॉन्च किए हैं। तो स्मार्ट कोचेस में नए फीचर्स क्या होंगे? ब्लैक बॉक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड CCTVs लगे हैं इसमें। मैचिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। वाईफाई हॉटस्पॉट्स हैं बेसिकली इसमें। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। पैसेंजर अनाउंसमेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी इन ब्लैक बॉक्सेस टाइप के कोचेस से। GPS बेस्ड अनाउंस होंगी। इमरजेंसी इंटरकॉम है पैसेंजर के लिए। डिजिटल डेस्टिनेशन बोर्ड्स हैं। ट्रेन रिजर्वेशन डिस्प्ले मॉड्यूल्स हैं। CCTV विद रिमोट मॉनिटरिंग है। अपग्रेडेबल विद स्मार्ट वीडियो एनालिटिक्स है। PV Sindhu only sportsman in Forbes India's medal list of 22 tycoons of tomorrow. Tycoons of tomorrow की जो लिस्ट आई है उसमें PV Sindhu ही ओनली है जो फोर्ब्स इंडिया मेडल्स में है। तो बैडमिंटन प्लेयर है ये, बेसिकली ओलंपिक रह चुकी है। PV Sindhu इज द ओनली स्पोर्टमैन स्पोर्ट पर्सन फिशिंग इन द फोर्ब्स इंडियन मेडल टाइकून ऑफ टुमारो लिस्ट 22 यंग अचीवर में से इनका नाम भी आया है। इसके अलावा कौन कौन है इनका मैंने यहाँ पर नाम दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। रितेश अग्रवाल भी है ओयो के, यस से राधा कपूर खन्ना डॉटर ऑफ यस बैंक CEO राणा कपूर की। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन है। ये PV Sindhu के पिक है। इंडियन ओमान एग्री टू एनहांस बायलेटरल कॉपरेशन। इंडियन ओमान में जो बायलेटरल कॉपरेशन है उसको एनहांस करने के लिए एग्री हो गए हैं। द मिनिस्टर अंडरटूक ए कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन एंड डिस्कस्ड मेजर टू फर्दर एनहांस बायलेटरल एक्सचेंजेस। थ्री विंग्स ऑफ आर्म फोर्स होल्ड स्टाफ टॉक्स एंड एडवांस ज्वाइंट एक्सरसाइज विद ईच अदर। ये पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी। इंडियन मोरको साइन MOU टू एनहांस कोऑपरेशन इन MSME सेक्टर। MSME यानी कि मीडियम साइज मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर में एनहांस करने के लिए कोऑपरेशन को इंडियन मोरक्को ने साइन किया है MOU। उसके रिगार्डिंग ये है इंडिया और ये है मोरक्को की पिक्चर आप देख सकते हैं। कॉम्पको टू एंटर इंटू कोकोनट प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। द सेंट्रल एरिकोनट एंड कोकोआ मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो आपको ये फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए कैंपको की, ये यहाँ पे मैंने लिख दी है। इज एंटर्ड इनटू कोकोनट प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग में इसने एंटर किया। दिस सडन मूव ऑफ कॉम्पको इज टू हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर प्राइसेस ऑफ कोकोनट। ये किस लिए है? कि उनको बेटर प्राइसेस मिले कोकोनट के। तो कैंपको के प्रेसिडेंट कौन है? बेसिकली SR सतीश चंद्रा। ये सारे डिटेल्स आपको याद रखनी है, कितना टर्न ओवर है, कितना का प्रॉफिट है, ये डिटेल्स भी आप याद रख सकते हैं। तो ये मेजर माइलस्टोन मैंने अपन दिखाया है, आप पूरा अच्छे से ये पोस्ट करके आप इसको देख सकते हैं। 1973 में क्या था, 1986 में क्या था, ये बेसिकली क्या चॉकलेट फैक्ट्री है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू सो मच। सितंबर की करंट अफेयर्स कंप्लीट है, तो अगस्त की करंट अफेयर्स आपको दो पार्ट में मिल जाएगी, जो अक्टूबर की फर्स्ट हाफ है यानी कि 15th अक्टूबर तक मैं आपको वेडनेसडे को प्रोवाइड करवा दूंगी, और 15 के आपको 30 के बाद जब अक्टूबर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसकी वीडियो तब मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं ऑर्डर किया है या ऑर्डर करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, KVS CTET DSSP ये मोबाइल नंबर है, आप ये सेव कर सकते हैं स्टडी पोर्टल या डॉक्टर विजय के नाम से 8447410108 पर। आप अपनी रिक्वायरमेंट को व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहीं पर आपको पेमेंट के डिटेल, वहीं पर आपको एड्रेस के डिटेल आपको वहीं पर मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स की बुक भी रेडी है विद करंट अपडेट, जो मैंने आपको अभी करंट करवाई है उसके साथ। इसके साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट जो सितंबर में है जो एग्जाम के लिए आ सकती है वो भी इस बुक में इंक्लूड कर दी गई है, तो आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर पर करके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।